नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट वाले को ऊपर करो थोड़ा सा। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, फैसला जो भी होने दो, स्पोर्ट होना चाहिए, इश्क हो या दंगल, भरपूर होना चाहिए। हाँ जी, दुनिया के सामने अकड़ कर चलने वाला लड़का जब झुककर तुम्हारी पायल बातें, तो सुन लो इश्क। अरे भाई, सुबह सुबह कौन आ गया। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राकेश जी, ठीक है, आपकी बात हमने बोल दी है, चलिए। राहत इंदौरी, आप में घुस गए हैं सुबह सुबह ही, चलिए। विकास जी, विकास, कृति पांडे, नमस्कार, प्रणाम। बिटू, योगेश, सोनू, हंसराज, नवीन, हंसराज, मीना, सुरेंद्र, नवीन, नरेश, विकास, हंसराज, गुर्जर। चलिए, नमस्कार दोस्तों, पूजा, अजीत, संदीप, एम आर, कुलदीप, कोमल, कमल, मुकेश, अंजू, सुरेंद्र, माही। चलिए, सब दोस्तों को नमस्कार, हमारा गुड मॉर्निंग स्वीकार करिएगा। और आज की करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सब साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। उसके बाद राजस्थान के 5 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूजस के 5 सवालों पर हम बातचीत करेंगे। उसके बाद जिला दर्शन के 5 सवाल, और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे आज महत्वपूर्ण जो युद्धाभ्यास हो चुके हैं, उन युद्धाभ्यासों पर रिवीजन कराएंगे जो आपके पटवार और एनटीपीसी के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सब साथी अंत तक बने रहिएगा। उसी तरीके की जैसे रोजाना क्लास होती है, उसी तरीके की क्लास आज आपके सामने फिर लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की इस क्लास की। और वो करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा में आएगा, उस करंट अफेयर्स पर हम बातचीत शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें आपके परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपके सामने 2 पंक्तियां, जैसा कि हमेशा आती है, तो सबको कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तुम जिस जगह से जागे हो सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। यानी आज सुबह आप जहां तक थे, अपने जीवन में जितनी भी सफलताएं आपने हासिल कर ली है, जितने आगे आप बढ़ चुके हो, उन सफलताओं को आजमाते हुए, उनको हासिल करते हुए, आज जहां तक आपने अपने कदम बढ़ाए हैं, उससे पीछे कदमों को हटाना नहीं है। वहां से 1-2 कदम ही आगे बढ़ो, चाहे आगे बढ़कर ही अपने जीवन में वापस इस दिन का अंत करिएगा। इसी से लगातार आप जीवन में कितना कितना लगातार बढ़ते जा रहे हो, उसका अंदाजा आपको होगा। तो कुछ लिख के सो, यानी कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तुम जिस जगह से जागे हो सवेरे उस जगह से आगे बढ़ के सो। मेरे दोस्तों, उसी में आपकी भलाई है, और इस जीवन का हमें तभी आनंद है। वरना मल मूत्र की मशीन तो दुनिया में बहुत घूमती है, जो खाना खाती है और मन में अपने खाने को बदल देती है। हमें भार नहीं, इस जीवन में कुछ करने के लिए भेजा गया है, और ऐसा कुछ करिए कि आने वाली पीढ़ियां भी कह सके, वाकई में क्या इंसान था, उसने क्या काम किया। इस तरीके के काम जीवन में लगातार अपने कदमों को आगे बढ़ाकर आप जीवन में आगे बढ़ोगे, तो ही इस प्रकार के कार्य कर पाओगे। और अपना और अपनों का हमेशा मार्गदर्शन आपके नेतृत्व में हो, इस प्रकार का काम आप यहां से शुरू करिएगा। चलिए जरा शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देखिएगा, कल इसरो ने बहुत बड़ा काम किया। इसरो का ये जो 50वां मिशन पूरा हुआ है ना प्यारे दोस्तों, पीएसएलवी ने 50वीं जो उड़ान भरी है, ये आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आने वाले समय के लिए देखते हुए, आने वाले समय में आपसे इस पर सवाल पूछा जाएगा। यानी पीएसएलवी जो है, इस पीएसएलवी की कौन सी उड़ान, पीएसएलवी की जो 50वीं उड़ान है, पीएसएलवी 40, C50 जो पीएसएलवी की उड़ान है, 50वीं पीएसएलवी की ये 50वीं उड़ान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से क्या भेजा गया, एक संचार उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। क्या भेजा गया, संचार उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसके साथ साथ ये याद रखना, इसका नाम है CMS-01, CM0, यानी CMS-01 जो है वो इसके माध्यम से भेजा गया है। कहां पर, अंतरिक्ष में। ये संचार उपग्रह है, जिस प्रकार की जानकारियां हमें लगातार मिलती है, एक दूसरे माध्यम से हम सारी बातें करते रहते हैं, तो ये सारी बातें इन संचार उपग्रहों के माध्यम से ही हम संपन्न करते हैं। तो कल का दिन इसरो के लिए बड़ा ऐतिहासिक रहा। इसरो के प्रमुख वर्तमान में के सिवान है, और के सिवान जो है वो एक अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े वैज्ञानिकों में इनका नाम आता है। तो इसरो के अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में के सिवान है,
PSLV जो है उसकी 50वीं उड़ान वर्तमान में कल हो चुकी है और सफलतापूर्वक उसको पूरा कर दिया गया है। संचार उपग्रह है ये जिसका नाम CMS-01 रखा गया है। तो नाम सही याद रखिएगा। परीक्षा में ज्यादातर संभावना इस सवाल की है कि हाल ही में PSLV ने अपनी कौन सी उड़ान पूरी की और उसका नाम क्या है। तो PSLV 50 है और ये CMS-01 है। तो दोनों को जरा अच्छे से याद रखिएगा। के सिवान का नाम आप सब लोग जानते ही हैं। चलिए जरा अगली बात हम करते हैं। अगला सवाल आपके सामने आए उससे पहले एक ऐसी इमेज और दिखाते हैं जो इसरो ने कल काम किया। देखिएगा पूरी इमेज आपको यहां से नजर आ रही है ये वाली, किस प्रकार अग्नि को छोड़ते हुए ये हमारा यान जो PSLV जो है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक इसी प्रकार ये PSLV जो 50 का मिशन है वो धुआं धुआं करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। चलिए अब आ जाइए पहले सवाल पर। आज का आपका पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। USA यानी अमेरिका ने कास्टा अधिनियम के तहत, कास्टा जो अधिनियम है उसके तहत किस देश पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। इस कास्टा एक्ट के तहत ही उसने पिछली बार भारत पर भी इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी और एक बार फिर जो ये USA है इसने एक देश पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया। और प्रतिबंध कास्टा के तहत किस से लगाता है देखो, तो इसमें क्या होता है, USA से अगर आप किसी भी तरीके का सामान खरीदते हो जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी हो सकता है, उसमें आपका धन हो सकता है यानी पैसा हो सकता है, कोई नई तकनीक हो सकती है, उन तकनीकों पर वापस ये क्या कर देता है, फिर रोक लगा देता है। यानी इन देशों पर जिस पर ये प्रतिबंध लगाया जाता है उसको USA किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करता है। सीधी सीधी बात यह है, यानी रक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो तकनीकी से जुड़ी हुई हो, उसके बाद जिस पर ये कास्टा का प्रतिबंध लगाता है अमेरिका, उसके बाद उस देश के साथ इस प्रकार का कोई भी व्यापार या किसी भी प्रकार का लेन देन जो है वो अमेरिका नहीं करता है, यानी उस पर इस प्रकार की गतिविधियों पर वो प्रतिबंध लगा देता है। हाल ही में ऐसा किसके साथ किया है, तो हाल ही में ऐसा तुर्की के साथ किया इन्होंने। क्या किया, तुर्की के साथ किया। अब तुर्की के साथ ऐसा क्यों किया, तो तुर्की जो देश है ना दोस्तों, उस तुर्की ने क्या किया है, रूस से एक मिसाइल सिस्टम खरीदा है। किससे, रूस से। और उस मिसाइल सिस्टम का जो नाम है S-400 नाम है उसका। क्या नाम है, S-400 मिसाइल सिस्टम उसने किससे खरीदा है, ये है एंटी मिसाइल सिस्टम है ये। यानी मिसाइलों को भी तहस नहस करने की इसमें क्षमता है। ये सिस्टम खरीदने की बात किससे हो रही है, इसकी रूस से हो रही है। तो अमेरिका ने कहा कि अगर आप ये सब रूस से खरीदना चाहते हो तो हमारे से ये प्रतिबंध, आप हमसे इस प्रकार का नाता मत रखिएगा। तो इस प्रकार के प्रतिबंध जो है वो USA ने किस पर लगा दिए, तुर्की पर लगा दिए यानी टर्की पर लगा दिए। क्यों लगा दिए, तो इसने S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो किससे खरीदने के लिए करार किया है, रूस से। अब देखेगा अगर रूस के साथ इनके संबंध अच्छे हो जाते हैं तो अमेरिका की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, और अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अमेरिका ये चाहता है कि इनको पहले से इस प्रकार की धमकी दी जाए ताकि रूस के साथ इस प्रकार का व्यापार समझौता ये नहीं करे। रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है, ये ऐसे देश हैं मेरे दोस्तों जो हमेशा अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी को पूरे विश्व में बेचना चाहते हैं, इसी के लिए व्यापार करना चाहते हैं, इसी के लिए विभिन्न देशों के बीच में ये संकट पैदा करते हैं। जिस प्रकार आपने विभिन्न देशों के बीच में संकट देखा होगा, अगर विश्व वैश्विक स्तर पर अमेरिका चाइना ये चाहे कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा हल हो जाए तो आज ही हल हो सकता है, मगर ये अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी को विभिन्न देशों को बेचने के लिए इस प्रकार की लड़ाई चाहते ही नहीं कि ये समाप्त हो कभी भी। वो ये अपने अड़ोस पड़ोस की कोई भी अगर बड़ी घटना होती है तो उनका जो पंच होता है वो कभी ये नहीं चाहता कि ये मुद्दा हल हो जाए, क्योंकि अगर मुद्दा हल हो गया तो उसको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। यही वैश्विक स्तर पर भी कहानी है, अपने रक्षा प्रौद्योगिकी को बेचने के लिए भी इस प्रकार की बात करती है। तो S-400 जो है वो इंडिया ने भी उसके साथ, रूस के साथ इस प्रकार का समझौता किया है। लेकिन हाल ही में तुर्की को जब धमकी दी और प्रतिबंध लगाया तो उस वक्त भारत जैसे देशों को भी अमेरिका ने चेता दिया कि अगर आप भी ऐसा करोगे तो आने वाले समय में आप पर भी क्या लग सकता है, प्रतिबंध लग सकता है। तो जरा देखिएगा क्या है, जरा सुनिएगा। इसके बाद तुर्की पर इस प्रकार का क्या लगा दिया, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब जरा तुर्की के बारे में सुन लीजिएगा। तुर्की जो है ना, यहां तुर्की की जो राजधानी है वो क्या है, अंकारा है। तुर्की की राजधानी प्यारे दोस्तों क्या है, अंकारा है। और इसके बाद में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, ये है रिसेप तेईप अर्दोना, इतना याद रखो, रिसेप तेईप अर्दोना यहाँ रूस तुर्की के क्या है,
राष्ट्रपति है अंकारा, यहाँ की राजधानी है यूएसए, यूएसए वाशिंगटन डीसी है राजधानी, तो आपको मालूम है। और जॉन बाइडेन, जॉन बाइडेन यहाँ के वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति है जॉन बाइडेन। और कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की है, कमला हैरिस वो हाँ की क्या है, हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति चुनी गई है। तो ये सारी बातें आपको इनके संबंध में क्या रखना है, ध्यान रखना है। हाँ चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात आपके सामने क्या है जरा सुनिएगा। अब है अगला सवाल आपके सामने, जरा देख लीजिएगा। तुर्की आपके सामने है, तुर्की की राजधानी ये आपके सामने अंकारा यहाँ है, जरा इसको गौर से देख लीजिएगा। थोड़ा सा इस मैप के में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये तुर्की लिखा हुआ है, यहाँ पर अंकारा इसकी क्या है राजधानी है। और ये सब के सब जो तुर्की का भाग है वो अलग अलग देशों से क्या करता है, अपनी सीमा बनाता है। बुल्गारिया जैसे देश हैं, जॉर्जिया जैसे देश हैं, इन देशों के साथ इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। और मेडिटेरियन से इसके साथ नीचे से सीमा स्पर्श करता है। चलिए नेक्स्ट बात हम करें, आपने देख लिया होगा इसका मैप तुर्की का। अब अगली बात हम करें तो जरा इसको, साइप्रस जैसे देश हैं, ये सब यहाँ है, मेडिटेरियन सी इसके यहाँ नीचे पड़ता है, मेडिटेरियन सी से ऊपर रहता है ये। सीरिया इधर है, इराक है, हराना है, ये सब देश यहाँ पड़ते हैं, उनके साथ थोड़ी सीरिया के साथ इसकी सीमा साझा होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़े, अगला सवाल आपके सामने, आईसीजीएस सक्षम क्या है, आईसीजीएस सक्षम क्या है जरा सुनिएगा। आईसीजीएस सक्षम का नाम आपको बताया था, आईसीजीएस का मतलब है इंडियन पोस्ट गार्ड, जो सर्विस है उस इंडियन पोस्ट गार्ड के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपको बताते हैं इसके बारे में सारी जानकारी, इंडियन पोस्ट गार्ड, इंडियन, कल भी इस बारे में मैं पूरा पढ़ा चुका हूं लेकिन सवाल आज दोबारा रख रहा हूं। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड जो शिप है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इसका पूरा नाम है आईसीजीएस का, आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप इसका पूरा नाम है। ऑफशोर पेट्रोल यानी ऑफशोर यानी बिना शोर के, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, पेट्रोल क्या है वेसल है, पेट्रोल वेसल है ये वाला वेसल। इसका मतलब क्या है, ये एक इस प्रकार का कोस्ट गार्ड के द्वारा, इस प्रकार का जो आईसीजीएस सक्षम है, इस प्रकार का एक यान बनाया गया जो पेट्रोलिंग के काम आएगा, यानी जो लगातार उस पर निगरानी रखने के काम आएगा, ये इस प्रकार का क्या है ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसे क्या किया है, गोवा शिपयार्ड में तैयार किया है, वहां से इसे कमीशन किया गया, कहां से, गोवा शिपयार्ड से, गोवा शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड से इसे क्या किया गया, तैयार किया गया। वैसे ये अक्टूबर 2021 में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा अक्टूबर 2021 में। और कहां तैनात किया जाएगा, भारत का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है, विशेष यानी आर्थिक जो क्षेत्र है, उस आर्थिक क्षेत्र में उसकी सुरक्षा के लिए इसे क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा, सुरक्षा में इसे क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया वो देखिए जरा, आईसीजीएस सक्षम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, मोबाइल ऐप है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, या फिर COVID-19 की वैक्सीन है। तो इस ऑफशोर पेट्रोल वेसल के स्थान पर वो ये भी लिख सकता था, कोस्ट गार्ड का एक क्या है, जहाज है, ये भी लिख सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहां लिख रखा है ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये, ऑफशोर पेट्रोल वेसल का मतलब ही यही है, इंडियन कोस्ट गार्ड का निगरानी रखने वाला एक क्या है, ये जहाज है एक तरीके का, जिसे गोवा शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। 2021 में इसे क्या कर दिया जाएगा, कमीशन कर लिया जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी रखने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए इसे कोस्ट गार्ड में क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। और भारत का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा के लिए इसे तैनात किया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो भी एक प्रकार का तटीय सुरक्षा के लिए, जो भारत के तट लगते हैं उन तटों की सुरक्षा के लिए, इस प्रकार का एक भारतीय सेना का ही हिस्सा माना जा सकता है इसे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जिसने हाल ही में सक्षम जो है इस नाम से भी एक नया ऑफशोर पेट्रोल वेसल, पेट्रोल वेसल का मतलब है निगरानी जो तंत्र है उसको तैयार किया है। तो इसमें ऑफशोर पेट्रोल वेसल यहां लिखा है, पेट्रोलिंग करना आप लोग सब जानते होंगे, तो उसी के लिए लिखा है ऑफशोर पेट्रोल वेसल इसको रखा गया। तो इतना भी सवाल आ सकता है, आईसीजीएस सक्षम क्या है, आईसीजीएस का मतलब आपको बता दिया, इंडियन कोस्ट गार्ड जो शिपयार्ड है उसका नाम रखा गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके सामने क्या आ रहा है, अगला सवाल है, जरा इसको देखने से पहले आप लोग, चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम बढ़ते हैं, ये मैप आपको वापस दिखा दूंगा अभी, ये सवाल पढ़िए पहले, किस देश के राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ
किस देश के राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण को संविधान में जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है। यानी कि एक देश है जिसने जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो संकट हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये घोषणा कर दी है कि पहले तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, उस लड़ाई के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण को संविधान में जोड़ेंगे और उस संविधान में जोड़ने के लिए हम क्या कराएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे। तो आपको बताना है ऐसा जनमत संग्रह कराने के बारे में किस देश के राष्ट्रपति ने इस प्रकार की घोषणा की है। फ्रांस के, अमेरिका के, रूस के, जापान के, किस देश के राष्ट्रपति ने इस प्रकार की घोषणा की है कि हम आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस जलवायु परिवर्तन के खिलाफ या फिर उसकी सुरक्षा के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको हम संविधान में क्या करेंगे, शामिल करेंगे, उस संविधान में जगह देंगे। क्यों देंगे, सुनिएगा। पेरिस जलवायु समझौता आपको 2-3 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था, पेरिस में हुआ था, पेरिस जलवायु समझौता, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उस समय देश के विभिन्न देशों ने यह कहा था कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे अलग अलग, तो विभिन्न देशों ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम उठाने के बारे में अपनी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। अब इस प्रतिबद्धता को लेकर ही फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है कि हम क्या करेंगे, इस प्रकार की बात करेंगे। तो जरा ध्यान करिएगा, खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण को संविधान में जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा इन्होंने कर दी है, फ्रांस ने, अमेरिका ने, रूस ने, जापान ने। तो इसकी सही जवाब होगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति आप लोगों को मालूम है इमैनुएल मैक्रोन है। इमैनुएल क्या है? इमैनुएल मैक्रोन है। इमैनुएल मैक्रोन ने इस प्रकार की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और पेरिस जलवायु समझौता 2015 से, जलवायु समझौता कब से, जलवायु समझौता 2015 से, आपको 2-3 दिन पहले ही पढ़ा रहा हूं लगातार। और ये याद रखना, फ्रांस जो है वो यूरोपीय संघ का हिस्सा है। फ्रांस क्या है? यूरोपीय संघ का क्या है? यूरोपीय संघ का ये सदस्य है। इस प्रकार की बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कहा है कि आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे। तो फ्रांस ने इस प्रकार की बात कही है और फ्रांस की स्थिति आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। जरा देखिएगा मैप में, मैं आपको दिखाता हूं फ्रांस की स्थिति क्या है और कहां स्थित है फ्रांस। ये मैप आप देख लीजिएगा, जरा आपके सामने है मैप, आपको दिखाई दे रहा होगा। स्पेन के साथ इसकी सीमा लगती है, इटली के साथ भी इसकी सीमा लगती है। यहां देख लीजिएगा, आपके सामने है फ्रांस की राजधानी पेरिस भी है और इटली के साथ इसकी सीमा लगती है, इसके अलावा स्पेन के साथ भी इसकी सीमा लगती है, इधर स्विट्जरलैंड की भी साथ इसकी सीमा लगती है, इटली, स्विट्जरलैंड, और इधर आपको दिखाई दे रहा होगा सी ऑफ जो है मेडिटेरियन सी भी दिखाई दे रहा है, स्पेन भी दिखाई दे रहा है, इन सब के साथ आपकी सीमा लगती है। चलिए जरा आपको समझ में आ चुका होगा ये वाला सब, मेडिटेरियन सी इधर नीचे दिखाई दे रहा होगा। हाँ चलिए, इसके बाद अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट सवाल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 12वें गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 15 दिसंबर 2020 को किया, गृह का संबंध किस से है? मैं इस गृह के बारे में आपको बताया था, उद्घाटन किया उस दिन भी आपको इमेज दिखाई थी मैंने वेंकैया नायडू जी की, और किस प्रकार इसका उद्घाटन उन्होंने किया, ये सब बातें आपसे की थी। लेकिन आज उस पर सवाल भी बनाकर लाया हूं कि इसका सवाल कैसे पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 12वें गृह शिखर सम्मेलन का क्या किया, उद्घाटन किया, 15 दिसंबर को किया गया ये उद्घाटन। इस गृह का संबंध किस से है? टेलीकम्युनिकेशन से है, हरित भवन से है, COVID-19 वैक्सीन से है या रोबोटिक से है? इसका संबंध किस क्षेत्र से है? जी हाँ अर्जुन जी, एकदम सही जवाब आपका। इसका सही जवाब होगा हरित भवन। हरित भवन कैसे होगा? इस गृह का फुल फॉर्म ही आप देखो जरा, गृह का फुल फॉर्म है ग्रीन, क्या है? ग्रीन रेटिंग, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड हैबिटेट हैबिटेट असेसमेंट, ये इसका क्या है फुल फॉर्म है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसका मतलब यह है प्यारे दोस्तों, ग्रीन गृह का सीधा सीधा मतलब है पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए,
जिस प्रकार के नए नए भवन आपने कुछ ग्रीन बिल्डिंग देखी होगी उनके निर्माण को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सके, इस गृह का मुख्य कार्य यही है। और वेंकैया नायडू ने यह भी कहा कि आने वाले समय में कुछ स्थानीय निकाय जो हैं वो मिलकर, सरकारें मिलकर इस प्रकार के भवनों को क्या करें, प्रोत्साहित करें, जिनमें हरित भवन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या हो सके, बन सके। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है कि हरित भवनों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण के अनुकूल भवनों का निर्माण करने के लिए किस प्रकार अच्छे तरीके से इस प्रकार के भवनों का निर्माण हो सकता है, इस दिशा में ये गृह क्या करता है, लगातार प्रयास करता है, सरकार को सुझाव भी देता है और सरकार के साथ मिलकर काम भी करता है। एम वेंकैया नायडू जी ने स्थानीय निकायों से भी ये कहा कि इस प्रकार के भवनों को क्या किया जाए, हमेशा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हरित भवन होगा। इस हरित भवन से इसका क्या है, संबंध है, यानी चाहे सौर ऊर्जा से संचालित हो सारे सिस्टम, चाहे यानी पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए, इस प्रकार की ध्यान इको सिस्टम पर आधारित होने चाहिए, इको फ्रेंडली भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इको फ्रेंडली भवन होने चाहिए, इको फ्रेंडली भवनों का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। इसीलिए इनका संबंध किस से, हरित भवन से रिलेटेड है। इस गृह का संबंध आपको बता दिया, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एंड असेसमेंट है। चलिए इसके बाद जरा सुनिएगा अगला सवाल आप देखें, उससे पहले वही इमेज आपको एक बार वापस दिखाता हूं क्या है, जरा सुनिएगा। हाँ जी, देखिएगा आपके सामने इमेज आ रही है, ये इमेज आई नहीं अभी, आगे आ जाएगी, चलो कोई बात नहीं। एक बार नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा, यहां पर है केरल स्टार्टअप मिशन के तहत इवायर सॉफ्टेज ने किसके साथ मिलकर एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है, इनमें किसके साथ मिलकर इसने एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। केरल स्टार्टअप मिशन के तहत, केरल का एक स्टार्टअप मिशन है, उस मिशन के तहत इवायर एक कंपनी का नाम है जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इवेयर सॉफ्टवेयर के साथ किसके साथ मिलकर एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। ये प्रीपेड कार्ड भारत के 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्य और क्या है यूटी, इन दोनों में मिलकर ये क्या करेंगे, काम करेंगे। इसके अलावा डिजिटल जो भुगतान है, डिजिटल भुगतान, उस डिजिटल भुगतान को भी क्या मिलेगा, इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल भुगतान को भी क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और डिजिटल भुगतान के लिए जो भी ऐप संभव होगा उस ऐप की दिशा में भी ये क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये आपको बताना है कि केरल स्टार्टअप मिशन के तहत इवेयर सॉफ्टवेयर जो कंपनी है इसने किसके साथ मिलकर एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने की दिशा में, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है प्रीपेड कार्ड। तो ये प्रीपेड कार्ड जो है, ये प्रीपेड कार्ड किसके साथ मिलकर केरल स्टार्टअप मिशन के तहत ये जो इवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी है इसने लॉन्च किया, नीति आयोग है या आईसीआईसी बैंक है या यस बैंक है या सीबीआई है, एसबीआई है, किसके साथ मिलकर, अरे भाई सब नीति आयोग दे रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, एक प्राइवेट बैंक है जिसका नाम है यस बैंक। यस बैंक आपने देखा होगा, यस बैंक, इस यस बैंक के साथ मिलकर केरल जो स्टार्टअप मिशन है, कौन सा, केरल स्टार्टअप मिशन, इस केरल स्टार्टअप मिशन को ध्यान में रखते हुए इसी मिशन के तहत एक सॉफ्टवेयर कंपनी है इवेयर, क्या है, सॉफ्टवेयर इवेयर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो यस बैंक के साथ मिलकर इस प्रकार की दिशा में क्या कर रही है, काम कर रही है। हाँ, समझ में आ चुका होगा, यस बैंक इसका सही जवाब होगा, कौन सा, यस बैंक के साथ मिलकर ही इस प्रकार का काम कौन कर रहा है, केरल स्टार्टअप मिशन के तहत इवेयर सॉफ्टवेयर जो कंपनी है वो इस प्रकार के काम को करने में लगातार प्रयासरत है। और एक क्या कर रही है, ये प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर रही है। प्रीपेड का मतलब जिस प्रकार बैंक का बैलेंस डलाकर हम काम करते हैं या उधार के पैसे भी इसमें डलाए जा सकते हैं, एक डेबिट कार्ड होता है एक क्रेडिट कार्ड होता है, दोनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए, आपके सामने सवाल आ चुका है अगला, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्वर्णिम विजय मशाल को रोशन किया, यह किन दो देशों के मध्य युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया। अभी ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो युद्ध हुआ था उसकी कौन सी वर्षगांठ पर इसे क्या किया गया, तैयार किया गया। तो 50वीं जो वर्षगांठ है वो किन दो देशों के बीच में, अमेरिका और जापान, जापान और फ्रांस, फ्रांस और भारत और पाकिस्तान, या भारत और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का तो मुक्ति दिवस आता है, बांग्लादेश का क्या आता है,
मुक्ति दिवस आता है। इस दिन क्या किया गया था, 16 दिसंबर को बांग्लादेश को आजाद कराया गया था। बांग्लादेश को क्या कराया गया था, बांग्लादेश का आजादी दिवस आप कह सकते हो, आजादी दिवस इस दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है 16 दिसंबर के दिन। तो ये मनाया गया, अभी मुक्ति दिवस है बांग्लादेश का। 50वें वर्षगांठ पर क्या किया गया, स्वर्णिम मशाल जलाकर इस प्रकार का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब स्वर्णिम जो मशाल है, वो मशाल 4 मशाले एक मुख्य मशाल से क्या की गई, जलाई गई। और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें कि इस मशाल को कहां कहां ले जाया जाएगा, जो भी हमारे पराक्रम है दिखाने वाले इस युद्ध में, जिन जिन लोगों को क्या मिल चुका है, जिन जिन लोगों को यहाँ पर एक तो परमवीर चक्र मिल चुका है, इसके अलावा एक महावीर चक्र मिल चुका है, उन महावीर चक्र विजेताओं के गांव तक ये मशाल क्या करेगी, जाएगी। इस प्रकार की कितनी, 4 मशालों को जलाया गया है। ये चारों मशाले जो है, मशाल जो है, वो परमवीर चक्र और महावीर चक्र जो विजेताएं हैं उन विजेताओं के घरों तक क्या होगा, पहुंचेगा। चलिए इसके बाद अगली बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच के जो युद्ध हैं उसकी 50वीं वर्षगांठ पर ऐसा काम किया है जिसका नाम क्या रखा है, स्वर्णिम विजय मशाल, यानी विजय दिवस के उपलक्ष्य में ही स्वर्णिम विजय मशाल कल जलाई प्रधानमंत्री ने। ये किस किस के घरों तक, परमवीर और महावीर चक्र जो विजेता है उन विजेताओं के गांवों तक इन मशालों को क्या किया जाएगा, ले जाया जाएगा। इसके बाद जरा देख लीजिएगा इसके बारे में, ये कल पहले जो भी शहीद हुए हैं उन शहीद लोगों को क्या दी गई, सलामी दी गई सेना के तीनों प्रमुखों के माध्यम से, पहले सीडीएस के द्वारा, इसके बाद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी यहां मौजूद रहे, इनके देखरेख में ये सब मसाले जलाई गई। देख लीजिएगा ये 1, 2 यहां आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 और ये 4, ये 4 मशाल जो है वो एक मुख्य मशाल जो यहां अनवरत लगातार जलती रहती है, उस मुख्य मशाल से इनको क्या किया गया, जलाया गया। और परमवीर चक्र और महावीर चक्र जो विजेता हैं उनके घरों तक इन मशालों को क्या किया जाएगा, ले जाया जाएगा गांव गांव तक। इसके अलावा स्वर्णिम विजय दिवस जो है वर्ष, इसको कह सकते हैं स्वर्णिम विजय वर्ष जो है, इसके उपलक्ष पर भी 1971 का जो वार हुआ उसके लिए गोल्डन जुबली इस बार मनाई गई है, यानी 50वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई गई। तो प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद थे, रक्षा मंत्री और सीडीएस जो हैं वो इस प्रकार के कुछ लोगों का क्या कर रहे हैं, अनावरण इस वक्त कर रहे हैं। इसके बाद जरा देखिएगा एक इमेज आपके सामने और है, ये उस वक्त की है, ये हमारे अरोड़ा साहब हैं जिन्होंने समर्पण के लिए मजबूर किया, ये पाकिस्तान के नियाजी हैं जिन्होंने इस समर्पण के डॉक्यूमेंट पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। 93,000 सैनिक इस वक्त हमारे कब्जे में थे। ये 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं, ये तस्वीर आप सब जगह देख सकते हो, ये हमारी विजय की प्रतीक है। और ये नियाजी जो है वो पाकिस्तान की ओर से शामिल थे सेना में, और हमारे जो साहब हैं वो आपके सामने ही है, जरा देखिएगा। 1971 में ही आज ही के दिन भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से मानवीय स्वतंत्रता के सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा करते हुए विश्व मानचित्र पर एक ऐतिहासिक बदलाव किया। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित यह शौर्य गाथा हर भारतीय को गौरवान्वित करती रहेगी। विजय दिवस की सबको शुभकामनाएं। तो ये विजय दिवस जो है, इसके बाद हमने 93,000 जो सैनिक हमारे यहाँ पकड़े गए थे, आत्मसमर्पण किया, उसको बाद में इंदिरा गांधी जी ने समझौते के तहत उसे क्या कर दिया, शिमला समझौता हुआ उसके माध्यम से उनको वापस भेज दिया, लेकिन हमारी जो भूमि थी और हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई बाद में भी नहीं हो पाई। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भूमि स्तर पर हम जीत कर भी पूरे युद्ध को क्या कर चुके थे, हार चुके थे, क्योंकि हमने भूमि पर तो युद्ध जीत लिया लेकिन कॉन्फ्रेंस की जो टेबल हुई उसमें इंदिरा गांधी जी भुट्टो के सामने क्या हो गई, परस्त हो गई, क्योंकि भुट्टो ने इंदिरा गांधी जी से अपनी बातें मनवा ली लेकिन इंदिरा गांधी देश के लिए वो सब कुछ नहीं कर पाई उस वक्त जो उनको करना चाहिए था। अगर चाहते तो आज तक वो जो हमारा पीओके वाला क्षेत्र है वो कभी भी उनके कब्जे में नहीं रहता, या फिर अन्य मांगे जो भी पाकिस्तान से मनवा सकते थे वो हमने नहीं मनवाई। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं, क्या है जरा सुनिएगा। आयुष मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत किस राज्य में 200 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है, जरा सुनिएगा। आयुष मिशन किसके माध्यम से चलता है, आयुष मंत्रालय के माध्यम से चलता है, यानी राष्ट्रीय आयुष मिशन, आप सब लोग इसके बारे में परिचित हैं, ये आयुष मिशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत एक राज्य जिसमें क्या कर रही है, केंद्र सरकार 200 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोल रही है। 3 सवाल हैं इसमें।
कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत। किस राज्य में 200 क्या कर रहा है? स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोल रहा है। अब इनका मेंटेनेंस जो है ना, यानी इसमें संचालन जो है, वो संचालन की देखरेख तो किसको करनी होगी? संचालन की देखरेख तो करनी होगी राज्य को। और वो राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है पहले दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में इस प्रकार का केंद्र सरकार कर रही है। इनकी सारी देखरेख का जिम्मा किसका होगा? उत्तराखंड का होगा। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा, तकनीक जो है जो भी यहां चीजें काम आएगी, उन तकनीकों को कौन देगा? तकनीक देगी केंद्र सरकार। जितनी भी नई नई तकनीकें यहाँ चिकित्सा क्षेत्र में लगानी है या कोई भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो कौन देगा? वो इनको देगी केंद्र सरकार। तो ध्यान रखिएगा, संचालन किसका होगा? राज्य सरकार ही इसकी देखरेख करेगी, लेकिन तकनीक और पूरी सहायता करने का काम कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। उत्तराखंड राज्य में 200 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष मंत्रालय खोलने जा रहा है। अब उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड की दो राजधानियां आपसे पूछी गई, दिल्ली पुलिस में गैरसैंण है, एक तो इसकी राजधानी क्या है? गैरसैंण है। एक राजधानी क्या है इसकी? देहरादून है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, गैरसैंण और देहरादून दो राजधानियां हैं किसकी? उत्तराखंड की। चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। 200 स्वास्थ्य कल्याण केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय खोलेगा राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत, और इसका संचालन का काम जो है वो उत्तराखंड सरकार को देखना होगा, यानी पूरा का पूरा काम राज्य सरकार देखेगी। इसके अलावा तकनीक में जो भी सहायता होगी वो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। चलिए जरा अगली बात हम करते हैं। देहरादून की दो राजधानियां, एक गैरसैंण है और एक क्या है? देहरादून है। चलिए इसका सही जवाब आपका क्या होगा? उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं आपके सामने क्या आने वाला है। अगला सवाल आपके सामने, एम्ब्रोस दलामिनी का हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री थे? एकदम सीधा सवाल है और सीधा उत्तर देना। एम्ब्रोस दलामिनी का निधन हो गया, ये दलामिनी जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये ध्यान रखना, जिम्बाब्वे के नहीं है, मोजाम्बिक के नहीं है और बोत्सवाना के नहीं है, ये इस्वातिनी एक देश है, उस इस्वातिनी देश के क्या है? रहे हैं ये प्रधानमंत्री रहे हैं। छोटा सा देश है इस्वातिनी, इस इस्वातिनी देश के ये क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे, जिनका हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। तो सीधा सीधा याद रखना, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इस्वातिनी एक देश है, इस्वातिनी उस देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एम्ब्रोस दलामिनी। कौन? दलामिनी। इन दलामिनी का हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। बस इतना सा सवाल है और इतना सा ही आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने जरा देखिएगा क्या है। नौ नंबर सवाल है, किस मुक्केबाज को बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम चुना गया है? ये सवाल अच्छा भी है और आपको इसको ध्यान भी रखना है। किस मुक्केबाज को बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में इनमें से किसको शामिल किया गया है? फ्लॉयड मेवेदर को, लेला अली को, व्लादिमीर क्लिटचेस्को को या उपरोक्त सभी को? क्लिटचेस्को को या किसको इसमें से हॉल ऑफ फेम चुना गया है? बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम इनमें से किसको चुना गया है? तो याद रखना है, फ्लॉयड मेवेदर को भी चुना गया है, लेला अली को भी चुना गया है, व्लादिमीर को भी चुना गया है और उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। यानी ये सब के सब क्या है? मुक्केबाज है। ये सब क्या है? बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं, बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं और इन तीनों को ही क्या कर दिया गया? बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम चुना गया। बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम हाल ही में क्या किया गया? इन तीनों लोगों को ही चुना गया है। तो एक बार नाम जरा फिर याद रखिएगा, फ्लॉयड मेवेदर है, लेला अली है और व्लादिमीर है। इन तीनों लोगों को बॉक्सिंग जो है हॉल ऑफ फेम में हाल ही में क्या कर दिया गया है? इसे शामिल कर दिया गया। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी होगा। ध्यान रख लेना, कई बार आपको एक नाम भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो तीनों अलग अलग याद रखना, फ्लॉयड, लेला अली और व्लादिमीर, ये तीनों नाम आप याद कर लेना। इनको हाल ही में बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा आपके सामने क्या आने जा रहा है। अगला सवाल है जरा आपके सामने, यूएन के महासचिव ने किस भारतीय को
यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, आप लोगों को याद होगा। यूएन के महासचिव वर्तमान में कौन है, ऐसा भी सीधा सवाल आ सकता है। एंटोनियो गुटेरेस है, एंटोनियो क्या है, एंटोनियो गुटेरेस, गुटेरेस ये वर्तमान में क्या है, महासचिव है यूएन के। और यूएन की स्थापना को, यूएन की स्थापना को इस वर्ष क्या हो चुके हैं, 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। स्थापना को 75 वर्ष इस बार पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब इसकी स्थापना 1945 में हुई होगी, आपको याद होगी। फिर किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया है, संयुक्त राष्ट्र ने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर किस भारतीय को शामिल किया है, सिद्धार्थ राजाचारी, हर्षवर्धन सिंह, कायली जेनर। तो जरा अलग अलग सवाल सुनिएगा, ये कायली जेनर जो है ना विश्व की सबसे अमीर व्यक्ति बन चुकी है, विश्व की सबसे अमीर हस्ती यानी अमीर हस्ती बन चुकी है, कौन, ये आपकी कायली जेनर, कल की सबसे बड़ी खबर ही मान लो। हर्षवर्धन सिंह भारत के क्या हैं, आपको याद होना चाहिए, भारत के केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हैं। राजाचारी क्या है, राजाचारी जो है ये अमेरिका का एक मून मिशन है, क्या है, अमेरिका का मून मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन है। उस आर्टेमिस मिशन में 18 लोगों की घोषणा की गई है, कितने लोगों की, 18 लोगों के नामों की घोषणा की गई है, उसमें एक भारतीय भी शामिल है, उसमें एक क्या है, भारतीय अमेरिकी मूल का व्यक्ति यानी भारतीय मूल का एक लाडला शामिल है जिसका नाम क्या है, राजाचारी है। यानी दोबारा सुन लो, राजाचारी जो है वो क्या है प्यारे दोस्तों, राजाचारी है अमेरिका के मून मिशन जिसका नाम आर्टेमिस मिशन है। 2024 तक इसे भेजा जाएगा, कब तक, 2024 तक का इस मिशन में इनको क्या किया गया, शामिल किया गया है। अब जरा सुनो, फिर कायली जेनर विश्व की सबसे अमीर हस्ती में इसका नाम आ गया है। इसके बाद है एक बच्चा सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ जो है इनको क्या किया गया, यूएन ने हाल ही में भारतीय को संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर हाल ही में चुना गया, सिद्धार्थ चटर्जी इनका पूरा नाम है, सिद्धार्थ चटर्जी इनका क्या है, पूरा नाम है। तो सिद्धार्थ चटर्जी को यूएन ने क्या किया है, चलिएगा तो ये ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ चटर्जी को हाल ही में इस प्रकार यूएन ए अपना संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर इन्हें चुना है। तो संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर हाल ही में किसका चुनाव किया गया है, तो भारतीय मूल के एक व्यक्ति सिद्धार्थ चटर्जी। और सिद्धार्थ चटर्जी पहले ही यूएन से जुड़े हुए हैं, और कब से यूएन के साथ काम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 1997 से लगातार ये यूएन के साथ काम कर रहे हैं, और विभिन्न देशों में भी क्या कर चुके हैं, ये यूएन के कई मिशनों का नेतृत्व भी कर चुके हैं। तो ये सारी बातें एक बार फिर बोल देता हूं मैं, सिद्धार्थ चटर्जी आपके सामने है, सिद्धार्थ चटर्जी जो है वो सिद्धार्थ चटर्जी को ये बताया गया है कि यूएन ने संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर उन्हें क्या किया गया है, चुना गया है। इसके बाद राजाचारी जो है वो अमेरिका के मून मिशन में शामिल होने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इसके बाद में हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हैं। कायली जेनर जो है विश्व की सबसे अमीर हस्ती में उनका नाम क्या हो गया है, शामिल हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने जरा देखिएगा क्या है, अगला सवाल राजस्थान करंट अफेयर से शुरू करते हैं। उससे पहले आज राजस्थान जो सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार है, उसको हाल ही में क्या हो चुके हैं, 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 2 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष में विभिन्न प्रकार की घोषणाएं, और जो रीट कर रहे थे उनके लिए भी आज हो सकता है सरकार घोषणा करे कि किस प्रकार होगी रीट का एग्जाम। 3 कुशल प्रबंधन पायलट के साथ विधायकों की जो बगावत थी उसको सही किया, 2 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड देने राजस्थान पत्रिका के कार्यालय गए और अपना पूरा इंटरव्यू भी कल उन्होंने दिया। हर संकट से लड़े जीते भी गहलोत, 2 मोर्चे, उधर सियासी संकट इधर कोरोना और सियासी संकट दोनों से जादूगर ने अपनी सफलता हासिल कर ली ऐसा कहा जाता है। तो गुर्जर आंदोलन भी इस समय सक्रिय हुआ, उसका भी निस्तारण इन्होंने किया। फिर कोरोना महामारी का प्रबंधन भी किया, और एक सचिन पायलट वाला जो मुद्दा था उसको भी हल करने में इन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, ये सब बातें इनके संबंध में है। तो कोरोना वैक्सीन, बजट 2021-22 और सियासी संकट, अलग अलग प्रकार के, हाँ ये कल के न्यूज़पेपर में आई वही न्यूज़ है, कोरोना संघ सियासी
यलगार जो सरकार की थी वो सरकार ने किस प्रकार पूरी की वो भी आपके सामने है। राज्य सरकार के गुरुवार को 2 वर्ष पूरे होंगे। सत्ता में आते ही धड़ाधड़ फैसले करने वाली गहलोत सरकार ने 2 साल कामकाज के बीच उठापटक से भरे भी गुजरे हैं। 2 साल में बड़े संकटों का सामना करना पड़ा है अशोक गहलोत जी की सरकार को, ठीक है। हाँ जी, अमीर हस्ती में नहीं बल्कि एक्टर एंड एक्ट्रेस में सबसे अमीर। हाँ जी खान साहब, ये सही बात आपकी, एक्टर एंड एक्ट्रेस में सबसे अमीर महिला है, ठीक है। प्रमुख वादे जो पूरे हुए हैं, सरकार बनने के किसानों को 7692 करोड़ के फैसले के बारे में कहा था, बहुत सारे वादे इन्होंने किए थे, वो वादे कितने पूरे हुए कितने नहीं हुए वो सरकार को सब जनता बताएगी। पंचायत चुनाव, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो थी पहले उस शैक्षणिक योग्यता को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। चलिए इसके बाद है, गहलोत सरकार ने पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जो शर्त थी उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की थी उसको भी इन्होंने वापस आते ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके अलावा कल क्या हुआ, और राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व में जो रहे हैं ये क्या है, डॉक्टर स्वश्री हरिदेव जोशी जी हैं, उनकी जयंती कल मनाई गई। हरिदेव जोशी जी की कल जयंती मनाई गई। पूर्व हमारे क्या रह चुके, मुख्यमंत्री भी रह चुके और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं हरिदेव जोशी जी, इनकी कल जयंती मनाई गई। हाँ चलिए इसके बाद देखिए, 2 वर्ष जन सेवा के, जन कल्याण ही प्रतिबद्धता, जन कल्याण ही प्राथमिकता, ऐसा अशोक गहलोत जी की सरकार अपना प्रयास कर रही है कि 2 वर्ष के बाद आने वाला समय भी क्या हो, अच्छा हो। तो 2 वर्ष जन सेवा के इस प्रकार का मिशन सरकार लेकर आगे चल रही है। आज 2 वर्ष राजस्थान सरकार को पूरे हो चुके हैं, लगातार पढ़ा रहा हूं। पिछली बार 18 दिसंबर 2019 को जब सरकार के 1 वर्ष पूरा हुआ तो सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया भी था कि जनता कल्याण जैसी योजना है वो उसी दिन शुरू की गई थी। ये सब आपके पेपर के लिहाज से एक आफत बनेगी, ये घोषणाएं जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये घोषणाएं पूछी जाएगी आपसे। तो ये सब शक्ति निधि है, उसकी भी शुरुआत 18 दिसंबर को ही की गई थी। जनता कल्याण की शुरुआत की गई थी। निरोगा राजस्थान अभियान, जो निरोगी राजस्थान अभियान, उसकी भी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई थी। तो इस प्रकार आज क्या क्या करती है सरकार, वो उस पर भी नजर बनाए रखेंगे आगे आने वाले एग्जाम के लिहाज से। वो जो वहां गृह की इमेज थी, 12वां गृह समिट, उसकी इमेज वहां आनी थी, जिसका वेंकैया नायडू जी ने उद्घाटन किया, वो यहां आ गई है। कोई बात नहीं, यहां देख लीजिएगा, पहले भी आपको दिखा चुका हूं। 12वां गृह वर्चुअल समिट का उद्घाटन ये 15 तारीख को किया था हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। हाँ जी चलिए अब आइए, कल एक अनोखी घटना भी राजस्थान में घटित हुई। एक व्यक्ति है जो राजस्थान की शान बान आन 35 मिनट में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधी, ये भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। बीकानेर के पवन व्यास ने क्या किया, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का कीर्तिमान कल स्थापित किया, और इन्होंने विश्व की छोटी पगड़ी बांधने का भी कीर्तिमान 2018 में क्या किया था, स्थापित किया था। सबसे छोटी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड भी 2018 में नाम है, पवन ने यह पगड़ी बांधी। और नेशनल मूच चैंपियन 2018 राहुल शंकर धानवी ने सिर पर बांधी है। तो पवन व्यास इससे पहले विश्व की सबसे छोटी 1 से 3 सेंटीमीटर तक की पगड़ी बांधने में भी अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। तो इसको भी देख लीजिएगा, 7 फुट की परिधि है इसकी, 18 किलोग्राम इसमें वजन है, और 478 मीटर लंबाई के कपड़े से बांधी गई है। इसको जरा ध्यान करिएगा, क्योंकि पगड़ियां आपके हर सिलेबस में है, राजस्थान का परिधान संस्कृति, साफा और पाग और पगड़ी राजस्थान की आन बान और शान के प्रतीक हैं। अपनी विशेष प्रकार से बांधने की कला और चटकीले रंगों के कारण राजस्थानी साफा पाग और पगड़ी की ख्याति विश्व भर में प्रसिद्ध है। धरणीधर सभागार में पगड़ी कलाकार पवन व्यास ने बुधवार को सबसे बड़ी पगड़ी बांधी। कहां के हैं पवन व्यास, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बीकानेर के रहने वाले हैं, पगड़ी बांधने वाले। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का इन्होंने क्या किया है, दावा भी किया है। चलिए जरा नेक्स्ट बात हम करते हैं, अगली बात राजस्थान के सवालों पर आ जाइएगा। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, हाँ जी ये है आपके सामने, माणिक चंद सुराणा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस मुख्यमंत्री के काल में वित्त मंत्री रहे थे। इनमें से राजस्थान में माणिक चंद सुराणा का पिछले दिनों क्या हुआ, निधन हुआ, नवंबर महीने में निधन हो गया था। ये किस मुख्यमंत्री के काल में वित्त मंत्री रहे थे, तो ध्यान रखिएगा,
अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे या भैरू सिंह शेखावत या मोहनलाल सुखाड़िया, किसके समय माणिक चंद सुराणा जो है वो राजस्थान के क्या रहे थे? हाँ चलिए बताइएगा जरा, माणिक चंद सुराणा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस मुख्यमंत्री के काल में वित्त मंत्री थे? तो ध्यान करिएगा, इनका संबंध बीजेपी से है और ये जो है वो राज्य वित्त आयोग जो है ना, राज्य वित्त आयोग, ये राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह सदस्य भी रह चुके हैं पूर्व में, किसके समय में? वसुंधरा राजे की सरकार में, वसुंधरा सरकार में, वसुंधरा सरकार में क्या रह चुके हैं ये? राज्य वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा भैरू सिंह शेखावत, जिनको बाबो शाह के नाम से जाना जाता है, ये परीक्षा में पूछा गया था राजस्थान पुलिस में सवाल, और उस समय भी मैंने बताया था आप लोगों को इनकी जयंती के उपलक्ष पर कि बाबो शाह को राजस्थान में किसको जाना जाता है, तो भैरू सिंह शेखावत जो राज्य के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी पूर्व में रहे हैं, और इनका नेतृत्व है जनता सरकार के साथ भी रहा है, तो भाजपा के साथ इनका संबंध था। भैरू सिंह शेखावत राजस्थान में सरकार के समय, जिस प्रकार की अशोक गहलोत के सरकार के समय भी इस प्रकार की संकट पैदा हुआ, इनके समय भी ऐसा ही हुआ था। तो ये जो है वो वित्त मंत्री पूछा गया यहाँ पर, किस मुख्यमंत्री के काल में ये वित्त मंत्री रहे थे? तो भैरू सिंह शेखावत सरकार के समय माणिक चंद सुराणा जो है वो क्या रहे थे यहाँ पर? वित्त मंत्री रहते। तो इसका सही जवाब होगा भैरू सिंह शेखावत। इनको, भैरू सिंह शेखावत को किस नाम से? बाबो शाह के नाम से भी जानते हैं, और राज्य वित्त आयोग के सदस्य किस सरकार के समय? वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय भी रहे थे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रख लेना है। हाँ, ये सवाल राजस्थान पुलिस का है, राजस्थान पुलिस में ये सवाल आ चुका है अभी, राजस्थान पुलिस में, तो ये ध्यान करिएगा, दोबारा कभी भी आ सकता है। बाबू शाह को राजस्थान में किसको जाना जाता है? तो पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भैरू सिंह शेखावत को बाबू शाह के नाम से जानते हैं, और माणिक चंद सुराणा इनके कार्यकाल के दौरान क्या रहे थे? हाँ, ये इनके, वसुंधरा राजे जी के समय राज्य वित्त आयोग के सदस्य थे, और भैरू सिंह जी के समय वित्त मंत्री के पद पर ये कार्यरत थे। राम राम सा जी, राम राम भाइयों। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं, अगला सवाल आपके सामने 12 नंबर देखिएगा क्या। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा कब आयोजित किया गया? ये भी जरा सुन लीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण विभाग द्वारा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा कब आयोजित किया गया? पुरुष नसबंदी पखवाड़ा कब आयोजित किया गया इनमें से? 21 से 27 नवंबर 2020, 15 से 21 नवंबर 2020, 10 से 17 नवंबर 2020, 15 से 27 नवंबर 2020, इसमें से किस समय ये पखवाड़ा आयोजित किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, 21 से 27 नवंबर 2020 को क्या किया गया राज्य में? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यह पुरुष नसबंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। तो डेट जरूर याद रखिएगा, 21 से 27 नवंबर को देश में नहीं, राज्य में, कहां पर? राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा क्या किया गया? आयोजित किया गया 21 से 27 नवंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़िए आगे, अगला सवाल आपके सामने क्या है, विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? राज्य में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? 20 नवंबर को, 21 नवंबर को, 22 नवंबर को, 23 नवंबर को? तो विश्व बाल दिवस जो है वो कब मनाया गया हमारे यहाँ? तो वो 20 नवंबर के दिन मनाया गया था, 20 नवंबर के दिन राजस्थान में विश्व बाल दिवस मनाया गया था। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर के दिन राजस्थान में मनाया गया था। हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर वाले रीट दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं भैया, दे क्यों नहीं सकते? 3 साल तक आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, तो आप परीक्षा तो दे ही सकते हो, 3 साल तक आपकी बीएड हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, सही जवाब है इसका, 20 नवंबर विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, 14 नंबर सवाल, फटाफट देखिएगा, 67वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह कब मनाया गया? राजस्थान से रिलेटेड है ये सब सवाल, 67वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह जो है वो राजस्थान में कब मनाया गया? 14 से 20 नवंबर, 15 से 21 नवंबर, 17 से 23 नवंबर, 16 से 22 नवंबर? तो 14 से 20 नवंबर को है ना राजस्थान में क्या किया गया? 67वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह मनाया गया था। तो राजस्थान के संबंध में है ये,
हाँ, राजस्थान में 14 से 20 नवंबर 2020 को 67वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह क्या किया गया था, मनाया गया था। नेक्स्ट सवाल पर बढ़िए जरा आगे। बहुत अच्छे अच्छे सैन्य अभ्यास से जुड़े हुए आज आपके सामने सवाल मैं रखने वाला हूं, जरा इनको पहले पूरा करिए। 10 नगर निकायों में से कितने नगर निकायों में महिला महापौर है? तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही पूछा था कि राज्य में कितने नगर निकाय हैं, नगर निगम कितने हैं। तो 10 नगर निगम है वर्तमान में, 10 क्या है, नगर निगम है राज्य में। उन नगर निगमों में से 6 नगर निगम ऐसे हैं जहां महिला महापौर है, 6 महापौर है। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ध्यान से सुन लेना भैया, आपसे पूछा जा सकता है, नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको अध्यक्ष कहा जाता है या फिर उसे महापौर कहा जाता है या फिर उसे अध्यक्ष कहा जाता है, इस प्रकार के अलग अलग पद देगा वो आपको, या फिर उसको सचिव कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सभापति कहते हैं कि क्या कहते हैं, सभापति, अध्यक्ष, महापौर, क्या कहते हैं उसको, ये सवाल आएगा। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे महापौर कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे महापौर के नाम से जानते हैं। ऐसा सवाल परीक्षा में पहले आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। 6 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर महिला महापौर है। कौन कौन से नगर निगम है जरा सुनिएगा। एक है आपके सामने मुनेश गुर्जर का नाम आपने सुना होगा, अभी जीती है ये मुनेश गुर्जर। जयपुर की दोनों जो महापौर हैं वो दोनों गुर्जर हैं, तो सौम्या गुर्जर है और एक क्या है, मुनेश गुर्जर है। ये सौम्या गुर्जर का मुद्दा तो अभी भी क्या चल रहा है, विवादों में चल रहा है लगातार, ठीक है ना। ये कहाँ चल रहा है, विवादों में चल रहा है, चुनाव इसने जीता नहीं जीता इसको चुनौती भी दी जा रही है, तो ये मुद्दा काफी चर्चा में, न्यूज़पेपर में रोजाना आ रहा है, सौम्या गुर्जर वाला मुद्दा। तो सौम्या गुर्जर है। इसके अलावा कुंती परिहार है, कुंती परिहार ये है। इसके अलावा बनीता सेठ है, बनीता सेठ। इसके अलावा मंजू मेहरा है, मंजू मेहरा, मंजू मेहरा। इसके अलावा सुशीला कंवर, सुशीला कंवर, ये 6 महिलाएं हैं। सुशीला कंवर कहाँ कहाँ से है जरा ये भी सुन लीजिएगा। मुनेश गुर्जर जो है वो जयपुर हेरिटेज से, जयपुर कहाँ से है, हेरिटेज, जयपुर हेरिटेज, जयपुर हेरिटेज से कौन है, मुनेश गुर्जर है। जयपुर जो है उसमें ग्रेटर है, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज दो हैं, तो जयपुर हेरिटेज में मुनेश गुर्जर है, जयपुर ग्रेटर में भी सौम्या कौन है, सौम्या गुर्जर है। कुंती परिहार कहां से है, तो ये जोधपुर से है, जोधपुर में भी दो है, उत्तर और दक्षिण, तो ये जोधपुर उत्तर से है। और जो बनीता सेठ है ये जोधपुर में ही, जोधपुर दक्षिण जो है वो वहां से, एक उत्तर है और एक दक्षिण है। जोधपुर उत्तर और दक्षिण में भी महिलाएं, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में भी महिलाएं। इसके अलावा मंजू जो है वो कोटा से है, कहाँ से है, कोटा उत्तर से है, कोटा दक्षिण से महिला नहीं है। फिर है सुशीला कंवर, तो सुशीला बीकानेर से है, कहाँ से है, बीकानेर से। ये इतनी महिलाएं वर्तमान में क्या है, महापौर है। लीजिएगा आप क्या क्या है आपके सामने, 10 नगर निगम है हमारे यहाँ, उन 10 नगर निगमों में से 6 नगर निगम जो है वो अकेले जयपुर और जोधपुर और कोटा में है। जयपुर, जोधपुर और कहां पर है, जयपुर, जोधपुर और कोटा में है। दो जयपुर में नगर निगम है, एक जयपुर हेरिटेज है, एक जयपुर ग्रेटर है। जोधपुर में एक जोधपुर उत्तर है, एक दक्षिण है। दो कोटा में है, एक कोटा उत्तर है और एक कोटा क्या है, दक्षिण है। और टोटल 6 महिलाएं क्या है यहां पर, महापौर है। चलिए जरा अगली बात अपन करें, अगला सवाल देखिएगा, इसका 6 सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाइए आगे, और अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, जरा देखिए क्या है। यह है सूजस टेस्ट का पहला सवाल। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय 1982 में कहां स्थापित किया गया? देश का पहला खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, तो देश की ओपन यूनिवर्सिटी जहां पर एक तरीके से अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, कौन सी, अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा का सीधा सीधा मतलब है आपको किसी एक निश्चित शेड्यूल का पालन नहीं, अपने डिस्टेंस लर्निंग जो कोर्स होता है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स जिसे डीएलपी बोलते हैं, उस डिस्टेंस लर्निंग कोर्स से आप विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में यहाँ क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। तो जरा बताइएगा। हाँ जी आइए सवाल पर आ जाइए सब लोग। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी जो डीएलपी यानी डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन जो कोर्स है, उसके माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी देता है
और डिग्री भी देता है। बताइए तो जरा इस प्रकार का पहला जो विश्वविद्यालय है वो विश्वविद्यालय कहां पर इस प्रकार का खोला गया? हाँ जी, अरे भाई क्या कर रहे हो, मेरठ में है। मेरठ में क्या, दिल्ली में? दिल्ली मेरठ है। कविता जी आपका जवाब सही आया है। हाँ कमलेश जी का भी सही जवाब आ चुका है। चलिए दो लोगों का अभी तक सही जवाब आया है। चलिए बाकी सबका गलत है अभी तक। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद है, वहां पर पहला ओपन विश्वविद्यालय खोला गया था। ये ध्यान रखिएगा, देश का पूछा है मैंने, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय 1982 में कहां स्थापित हुआ? तो हैदराबाद में 1982 में क्या हुआ, पहला विश्वविद्यालय खोला गया था। तो नेक्स्ट सवाल जरा, आपके सामने नया सवाल आ रहा है, जरा अगले सवाल पर बढ़िएगा दोस्तों। क्या है सवाल आपका? 17 नंबर सवाल देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब की गई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1982 में, 1985 में, 87 में, 88 में। 1985 में पहला विश्वविद्यालय 82 में हैदराबाद में खोला गया था। अभी बताया आपको, हैदराबाद में पहला 1982 में हैदराबाद में पहला ओपन विश्वविद्यालय, जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो कहां खोला गया था? ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में खोला गया था। 1985 है या 87 है या 88 है? अब इसका सही जवाब होगा 1985। इग्नू जो है ना, इग्नू की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है इग्नू कहां स्थित है, ये आपको मालूम है सबको। तो इग्नू की स्थापना जो है वो 1982 में की गई थी। एकदम सही जवाब आ रहा है, 1952 नहीं है, 52 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया भैया मैंने, ये 1985 जो है, 1985 को इग्नू की स्थापना की गई थी। ये DLP यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कराने वाले विश्वविद्यालय होते हैं सारे के सारे। चलिए अगले सवाल पर आ जाइएगा सब लोग। 1985 पहला 82 फिर 85, जो इग्नू है उसकी स्थापना 1985 में हुई। अब आइए राजस्थान के बारे में बात करें। राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय, वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? हाँ जी, अच्छा खांसी कैसे आती है? अरे भाई बहुत दिन से आ रही है। 1985 राजस्थान का खुला विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब की गई थी जरा बताइएगा। हाँ, राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय जो कोटा विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना जाता था पहले, किस नाम से? कोटा ओपन विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे इसे। पहले क्या नाम था इसका? कोटा खुला विश्वविद्यालय इसका नाम था, खुला विश्वविद्यालय। लेकिन बाद में इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कर दिया। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय इसका नाम बदलकर कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? कोटा था। तो जरा सुनिएगा, कब? 23 जुलाई 1987 को, या फिर 23 जुलाई 1985 को, या फिर 23 जुलाई 1982 को, या 23 जुलाई 1988 को। तो इसके सही जवाब में आपको लगाना है कि 23 जुलाई 1987 को। तो दोबारा एक बार बता देता हूं, 1982 में पहला विश्वविद्यालय कहां खोला गया था? तो पहला हैदराबाद में खोला गया था, ओपन विश्वविद्यालय हैदराबाद में। उसके बाद में 1985 में क्या किया गया था? 1985 में इग्नू जो है ना, उस इग्नू की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 1985 में हुई। ये 85 है, ध्यान करना। इसके बाद में 1987 में सेशन शुरू होता है जुलाई में, तो 23 जुलाई जो है, उस 23 जुलाई को क्या कर दिया गया? राजस्थान में भी ओपन विश्वविद्यालय खोला गया, और उसका नाम उस समय क्या था? कोटा खुला विश्वविद्यालय था। उसका नाम बदलकर बाद में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा ये सारी बातें। कोरोना की शिकायत है सर, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे धन्यवाद आप सब साथियों का भाई, आपके साथ बने रहते हैं तो खांसी भी दूर हो जाती है। चलिए 19 नंबर सवाल पर आ जाइए। गणगौर घाट किस झील के साथ स्थित है?
यानी गणगौर घाट का संबंध जो है वो किस झील के साथ है, किस झील के साथ संबंध है, किसका, गणगौर घाट का, पुष्कर झील के साथ, पिछोला के साथ, द्रास संबंध का, जय संबंध का, इसका संबंध किस घाट के साथ है, जरा आइए सवाल पर। हाँ, इग्नू की फुल फॉर्म लिखी थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय है इग्नू की फुल फॉर्म, 1985 को उसकी स्थापना हुई थी, 23 जुलाई 1982, अच्छा 12 जुलाई लिख रहे हो हैदराबाद की, ठीक है। हाँ जी, आइए आइए सब लोग आ जाइए। गणगौर घाट जो है वो उसका संबंध किस झील से है, पुष्कर से है या फिर पिछोला से है या राजसमंद से है या जयसमंद झील से है। राजसमंद कोई झील नहीं है, ठीक है, है? अच्छा जी, ठीक है, लिख रहे हो आप पुष्कर झील, पिछोला झील, राजसमंद झील या फिर जयसमंद झील, किस झील के किनारे गणगौर घाट स्थित है। तो इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों वो क्या है, पिछोला झील जो है ना, उस पिछोला झील के घाट को ही एक घाट है जिस घाट का नाम क्या है, गणगौर घाट है। यहां पर गणगौर के समय बड़ा उत्सव क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है और विदेशी पर्यटक इसको सबसे ज्यादा देखने आते हैं। कौन, विदेशी जो पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक यहां सबसे बड़ी मात्रा में आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सही जवाब इसका क्या होगा। हाँ जी, पुष्कर नहीं है, इसका सही जवाब क्या होगा, पिछोला झील है। पिछोला झील जो है उस पिछोला झील गणगौर घाट इसी के किनारे क्या है स्थित है। पिछोला झील किसने बनाई, इसका क्या इतिहास है, सब जानते हो आप लोग, बार बार इसकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, माघ माह में होने वाली वर्षा को राजस्थानी में क्या कहा जाता है। ये अच्छा सवाल है आपके लिए। माघ का जो महीना होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, ये जो महीने, इनमें माघ जो महीना आता है उनमें होने वाली राजस्थान में जो वर्षा है उसको क्या कहते हैं, माउट कहते हैं, लोर कहते हैं, झड़ी कहते हैं, हलोवियो कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा इसका जवाब बताइएगा आप लोग। हाँ हाँ जी, अब सब सही लिख रहे हैं, पिछोला झील, चलो देर आए सवेर आए, पिछोला झील इसका सही जवाब होगा। अब आइए अगले सवाल पर, ये बता दीजिएगा, चला पीछे वाला आपका सही मान लिया जाएगा। माघ के महीने में होने वाली वर्षा को राजस्थानी में क्या कहते हैं। राजस्थानी में माघ के महीने में, माघ शरद जो मौसम है उसमें होती है और पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली ये जो बारिश है इसे मावट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मावट के नाम से जानते हैं। और ये सब जो है वो राजस्थानी भाषा में बारिश के नाम है, लोर है, जड़ी है, हलोवियो है, ये सब बारिश के अलग अलग महीने में हमारे राजस्थान में, राजस्थानी जो भाषा है उस राजस्थानी भाषा में हर माह में होने वाली बारिश को अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन माघ के महीने में होने वाली जो वर्षा है उसको मावट के नाम से हम जानते हैं। यही एक इंपॉर्टेंट है, बाकी लोर है, जड़ी है, होल ये है, ये सब है तो बारिश के टाइप, अलग अलग महीनों में राजस्थानी में इन्हें कहते हैं। अब जिला दर्शन पर फटाफट रिविजन करना आपको, जोधपुर के किस शासक को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। कल बताया था आप लोगों को मारवाड़ का प्रताप किसको कहते हैं, मालदेव को, चंद्रसेन को, जोधा को या गांगा को। तो मालदेव का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था चंद्रसेन, ठीक है। जोधपुर के सभी जिला दर्शन, जोधपुर की हम बात करें, इतिहास से रिलेटेड अब सवाल आ रहे हैं, स्थिति, विस्तार, मूर्ति, स्थापत्य कला, वो सब आपको जोधपुर के मैं पढ़ा चुका हूं। अब जोधपुर का कुछ इतिहास से, हाँ झड़ी जो है वो जून जुलाई में होती है। चलिए अब है मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है इसमें से, मारवाड़ का प्रताप इनमें से किसको कहते हैं, तो चंद्रसेन जो है उस चंद्रसेन को कहते हैं। इतिहास का भूला बिसरा राजा इसे कहा जाता है, भूला बिसरा राजा भी इसे कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप भी इसे कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप, और भूला बिसरा राजा भी इसे कहा जाता है। तो चंद्रसेन है सही जवाब इसका, मालदेव का था चंद्रसेन, और चंद्रसेन को जोधपुर के मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और प्रताप का अग्रगामी भी इसे कहते हैं। इसका सही जवाब होगा चंद्रसेन। कल मैंने इसके संबंध में सारी बातें आपको कल की क्लास में बता दी थी। अगले सवाल पर आ जाइएगा, अगला सवाल है, जोधपुर के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये भी कल मैंने आपको बताया था। हाँ जी, भूला बिसरा राजा है। हाँ जी प्रवीण जी, नमस्कार प्रवीण गेवा, ठीक है जी।
हाँ, इस सवाल का जवाब बताइएगा, जोधपुर के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर मुगलों से वैवाहिक संबंध क्या किए थे, सब स्थापित किए थे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, जोधपुर का एक राजा था जिसे क्या किया गया था, उसे मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानते थे। तो मोटा राजा उदय सिंह जो है, अच्छा प्रवीण प्रवीण प्रवीण, अरे भाई कितने कमेंट करोगे प्रवीण जी, क्या बात है बोलिए। हाँ जी, जोधपुर के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने मुगल अधीनता क्या की थी, स्वीकार की थी और उनसे मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो कल मैंने ये सवाल का जवाब दिया था कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह किससे किया था, मुगलों से किया था, और मुगलों से अधीनता स्वीकार भी की और मुगलों के साथ क्या किया, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। हाँ जी बताइएगा, उदय सिंह की उस पुत्री का नाम क्या था जिसका विवाह उन्होंने मुगलों से किया था। अच्छा जी, उदय सिंह सही जवाब होगा इसका। हाँ जी, उदय सिंह ही सही जवाब होगा, और उदय सिंह को ही मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मोटा राजा उदय सिंह कौन था, यही उदय सिंह था जो जोधपुर का था। मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह जो है वो इसी को जानते थे। मोटा राजा उदय सिंह भी है, वो इसी के नाम से क्या किए जाते थे, जाने जाते थे। मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के शासक थे, कहाँ के, मारवाड़ या जोधपुर रियासत के शासक रहे हैं जोधपुर के। अब बताइएगा जरा, मोटा राजा उदय सिंह जोधाबाई नहीं थी भैया, जोधाबाई जो दिख रहे हैं वो गलत है। हाँ जी, मानबाई उसका नाम था, क्या था, मानबाई। कल की क्लास में पढ़ाया, कल जो रेगुलर क्लास लेते हैं उनको पता है, बाकी को नहीं पता है। इस मानबाई का विवाह ही क्या किया था, मुगलों से किया था। हाँ जी, चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, जगत गोसाई, अच्छा इनकी बेटी का विवाह किया, मानबाई थी मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, उस मानबाई का विवाह ही इन्होंने किया था। चलिए हाँ जी, मानबाई मानबाई मान जोधा, हाँ उदय सिंह, जगत गोसाई, हरका बाई, अरे भाई मान बाई। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए, अगला सवाल जरा देखिएगा आपके सामने क्या है। मोटा राजा उदय सिंह इस सवाल का सही जवाब होगा। 23 नंबर सवाल आपके सामने आ रहा है, जोधपुर के किस शासक को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी। जोधपुर के किस शासक को, जोधपुर के किस शासक को जहांगीर ने, किसने, जहांगीर ने क्या किया था, दल थम्बन की उपाधि दी थी। उदय सिंह को, गज सिंह को, सूर सिंह को, अमर सिंह को। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी, दल थम्बन ये उपाधि गज सिंह को प्रदान की थी। गज सिंह जो फर्स्ट थे उसको, जोधपुर के जो शासक थे गज सिंह फर्स्ट, उनको जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी। दल थम्बन की उपाधि, दल थम्बन की उपाधि इनको क्या की थी, जहांगीर ने प्रदान की थी। तो गज सिंह का नाम याद रखिएगा, ये परीक्षा में बहुत बार सवाल आ चुका है आज से पहले। गज सिंह फर्स्ट इसका सही जवाब होगा, गज सिंह प्रथम को ही दल थम्बन की उपाधि क्या की गई थी, प्रदान की गई थी। हाँ जी चलिए, हाँ जहांगीर ने प्रदान की थी, जोधपुर के महाराजा थे गज सिंह फर्स्ट, उन्हीं के नेतृत्व में ये उपाधि क्या की गई थी, प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा आपका क्या है, अमर सिंह बाद में आपके आएंगे, अमर सिंह ये सब आपको देखने हैं एक एक करके। जोधपुर के किस शासक का निधन जमरूद अफगानिस्तान में हुआ था। अब आपको मालूम है जोधपुर के किस शासक का निधन जमरूद अफगानिस्तान में हुआ, भाई औरंगजेब इतना चालाक था, उस औरंगजेब ने जसवंत सिंह फर्स्ट को क्या कर दिया था, जमरूद भेज दिया था ताकि किसी ने किसी प्रकार से क्या किया जाए, मारवाड़ के जितने भी शासक थे, मेवाड़ के जितने भी शासक थे, यानी राजपुताना के जो शासक थे उनको आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करते थे, या उपाधियां देकर इस प्रकार का काम करते थे कि अपने अधीन कर लिया करते थे। तो पूरे राजपुताना को अपने अधीन करने के लिए किस प्रकार के प्रयास मुगल और अंग्रेज लगातार करते रहते थे उस जमाने में भी। तो इनमें से कौन सा शासक है, जोधपुर का कौन सा शासक है जिसको जमरूद भेजा गया था औरंगजेब ने इन्हें अपने अभियानों पर अफगानिस्तान की ओर भेज दिया ताकि ये अपने जो क्षेत्र है उनसे क्या रहे, दूर रहे। तो जमरूद में ही इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो जोधपुर के किस शासक का निधन जमरूद यानी अफगानिस्तान में हुआ था, तो जसवंत सिंह जो फर्स्ट है, जसवंत सिंह फर्स्ट, उनको कहां भेज दिया गया था, जमरूद भेज दिया गया था। जमरूद में ही इनका क्या हुआ था, मिशन के तहत ही, एक अभियान के तहत ही इनका निधन हो चुका था। तो जमरूद कहाँ है, अफगानिस्तान में है, और वहीं पर जसवंत सिंह जो फर्स्ट है, उन जसवंत सिंह फर्स्ट का क्या हो गया था, निधन हो गया था। जमरूद में ही इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल पर बढ़िए। अच्छा, कई बार मिल चुके हैं गज सिंह से हमारे साथी भाई, बड़े कलाकार आदमी हो आप, गज सिंह से भी मिले हुए हैं कुछ लोग।
हाँ अगला सवाल देखिएगा, जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूसीलेस किसे कहा है? जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूसीलेस इनमें से किसको कहा है? हाँ, कुफर का दरवाजा टूट चुका है, ये कहा था जसवंत सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद। जसवंत सिंह जी का निधन हो गया, जसवंत सिंह फर्स्ट, ये देखिएगा यहां है जसवंत सिंह फर्स्ट, इनके निधन के बाद कहा गया था कि आज कुफर का जो दरवाजा है वो क्या हो चुका है, टूट चुका है, यानी धर्म विरोधी जो है वो आज मारा गया है, इस प्रकार की बात मुगलों की तरफ से आई थी। हाँ जी, जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूसेलिस किसे कहा है? जिस प्रकार आप पन्ना झा स्वामी भक्ति के बारे में नाम सुनते हो, उसी प्रकार मारवाड़ में एक नाम आता है जिसका नाम है वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम पूरी शान और मर्यादा के साथ लिया जाता है, कहां पर? मारवाड़ में। मारवाड़ का यूसेलिस, राठौड़ों का यूसेलिस, मारवाड़ की आन बान और शान किसको माना जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को माना जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ वही है जो अमर सिंह के लिए, यानी अजीत सिंह के लिए, सॉरी, अजीत सिंह को एक रक्षा कवच की तरह काम करते थे, और वीर दुर्गादास राठौड़ लगातार प्रयासरत रहे अजीत सिंह को बचाने के लिए और उनको उनके पद तक पहुंचाने के लिए। इस प्रकार की शपथ उन्होंने खाई थी मारवाड़ के शासकों से, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। तो जिस प्रकार स्वामी भक्ति में पन्नाधाय का नाम लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार राठौड़ों में, मारवाड़ के आन बान और शान का प्रतीक माने जाते हैं वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ को ही कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूसीलेस कहा था। किस प्रकार वीर दुर्गादास राठौड़ में अजीत सिंह के पूरे जीवन को बचाया और बाद में अजीत सिंह ने ही क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। तो छिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन में वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है, और वीर दुर्गादास राठौड़ जो है अणबिंदिया मोती कहा जाता है मारवाड़ का, और मारवाड़ का यूसीलेस भी इन्हें कहा जाता है। तो मारवाड़ की पूरी धरा के लिए आप जब इनको सर्च करोगे तो आपको वाकई में बहुत शानदार इनके बारे में जानकारियां मिलेंगी। तो हाँ, अजीत सिंह जो थे उनके बारे में पूरा जीवन इन्होंने अजीत सिंह को बचाने में और उनकी रियासत को बचाने में अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया था। बाद में जब इनको मारवाड़ से निकाल दिया गया था तो ये उज्जैन चले गए। उज्जैन में ही छिप्रा नदी के किनारे ही जो हमारे वीर दुर्गादास राठौड़ हैं, उन वीर दुर्गादास राठौड़ की क्या है, छतरी बनी हुई है। तो चलिए जरा अगली बात हम करें, आपके सामने जरा सुन लीजिएगा, स्वामी भक्ति का परिचय किसने दिया था? वीर दुर्गादास राठौड़ ने दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूसीलेस किसे कहा? वीर दुर्गादास राठौड़ को ही कहा था। स्वामी भक्ति का पूरा परिचय किस प्रकार दिया जा सकता है, उसे इस प्रकार की बात कही थी। चलिए अब आइए हमारे कुछ ऐसे सवालों पर जिसको देखकर आपको कुछ नई चीज सीखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने में युद्धाभ्यास जो है वो युद्धाभ्यास, ठीक है, अच्छा जी, हाँ, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास जो है वो भारत और किसके बीच में हुआ? यूनाइटेड यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम, वायुसेना का है जो गाजियाबाद में आयोजित किया गया 2020 में। फटाफट इनका रिवीजन कर लीजिएगा। अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में थल सेना का है, ठीक है। यहां है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और यूके के बीच में, वायुसेना गाजियाबाद में इसका आयोजन किया। अजय वॉरियर 2020 भारत और यूके के बीच में, थल सेना ब्रिटेन में इसका आयोजन हुआ। पासेक्स एक्सरसाइज जो है वो भारत और यूएसए, देखो पासेक्स दो नाम से है, एक पासेक्स का जो आयोजन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी हुआ, एक पासेक्स का आयोजन जो है वो भारत और यूएसए के बीच में नौसैनिक युद्धाभ्यास है, हिंद महासागर में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसके बाद है सारेक्स 2020 जो है वो भारत और भारतीय तटरक्षक बल, जो कोस्ट गार्ड आज आपको बताया था, उस कोस्ट गार्ड के बीच में गोवा में आयोजित हुआ। सारेक्स जो है वो भारतीय तटरक्षक ने अपना अभ्यास किया था। इसके बाद जरा देखिएगा सहयोग केजिन, जो सहयोग केजिन नाम 2020 है वो भारत और जापान के बीच में हुआ, केजिन का आयोजन, तटरक्षक बल और चेन्नई तट पर इसका आयोजन किया गया। सहयोग केजिन है वापस भारत और जापान नौसेना के बीच चेन्नई में हुआ। संप्रीति भारत और बांग्लादेश, संप्रीति सबसे इंपोर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा, पासेक सबसे इंपोर्टेंट है, अजय वारियर और इंद्रधनुष अभ्यास ये सब बड़े इंपोर्टेंट है आपके लिए। फिर है नसीम अल बहार 2020 भारत और ओमान के बीच में नौसेना गोवा में आयोजित हुआ। नसीर अल बहार ये भी ताजा ताजा ही है भारत और ओमान के बीच में। कवकाज जो है वो बहुपक्षीय है, और कवकाज जो है वो बहुपक्षीय देशों के बीच में थल सेना का रूस में क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया था।
तो चलिए जरा अब बात करते हैं सवालों पर। अब आपके सामने रिवीजन का मैं फटाफट इनके जवाब दूंगा, आप जल्दी जल्दी इनको याद कर लीजिएगा। चला देख लीजिएगा इनका सही जवाब क्या होगा आपके सामने, आपको पूरा सवाल दिखाई दे रहा होगा। चलिए पहला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, हाल ही में इंद्रधनुष युद्धाभ्यास 2020 भारत और रूस के बीच में आयोजित किया गया। तो भारत और रूस के बीच में इसका आयोजन नहीं हुआ, भारत और यूके के बीच में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। इंदिरा नेवी 2020 युद्धाभ्यास भारत और यूके के बीच में आयोजित किया गया। तो दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। भारत और किसके बीच में, यूके के बीच में नहीं है, भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास है। इंद्र तो रूस और भारत के बीच में हुआ 2020 में, भारत और रूस के बीच में हुआ, इसका मतलब इसके दोनों ही कथन इसके क्या है, दोनों ही कथन असत्य है। तीसरा एक कथन इस सवाल में और था, वो इसमें लिखा नहीं गया, मैं बोल देता हूं जरा सुन लीजिएगा। तीसरा एक कथन और था कि अभ्यास इंद्र 2019 जो भारत और रूस के बीच में हुआ, तो ये सी सही है। युद्धाभ्यास में यहां लिख देता हूं, जो इंद्र अभ्यास है, इंद्र अभ्यास 2020 जो है वो किस किस के बीच में हुआ, भारत और किसके बीच में, भारत वर्सेज रूस के बीच में इसका आयोजन किया गया था, ये सी कथन था। तो इसमें पहला भी कथन क्या है, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में नहीं हुआ, ये यूके के बीच में हुआ। इंदर नेवी 2020 भारत और यूके के बीच में नहीं हुआ, भारत और रूस के बीच में हुआ, इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, सिर्फ सी कथन इसका सही था। तो इसका चार नंबर ऑप्शन जो है वो सही होता, लेकिन इसमें चार सी इसमें लिखा नहीं गया, वो मिस प्रिंटिंग से हाँ जो है वो गलती से छप गया, सी छूट गया है इसमें, सी मैंने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने 26 नंबर के बाद 27 नंबर, अजय वारियर युद्धाभ्यास 2020 किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया। चलिए बताइएगा अजय वारियर जो है वो किन दो देशों के बीच में, अजय वारियर का क्या किया गया, आयोजन किया गया। अजय वारियर युद्धाभ्यास 2020 थल सेना का युद्धाभ्यास है, ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया अजय वारियर, तो ब्रिटेन में थल सेना का अजय वारियर, भारत और यूके के बीच में इसका आयोजन किया गया। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, अजय वारियर जो है वो अजय वारियर 2020 भारत और यूके के बीच में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके बीच में आ रहा है, देखिएगा क्या है, पासेक्स एक्सरसाइज 2020 किन दो देशों के बीच में हुआ, भारत और यूके के बीच में, भारत और रूस, भारत और यूएसए, भारत और जापान। तो दो देशों के बीच हो चुका है, मैं पहले ही बता चुका हूं, भारत और ऑस्ट्रेलिया और भारत और अमेरिका के बीच में पासेक्स का आयोजन किया जा चुका है। इसका सही जवाब होगा भारत और यूएसए, भारत और किसके बीच में, यूएसए के बीच में इसका आयोजन किया जा चुका है, भारत और यूएसए इसका सही जवाब होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, भारत और यूएसए सी ऑप्शन इसका क्या है, सही होगा। भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास का आयोजन हो चुका है। चलिए इसके बाद अगली बात करें हम, आपका सही जवाब मैंने बता दिया है। हाँ जी अगला सवाल देखिएगा क्या, जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए, वज्र प्रहार 2019 किन दो देशों के बीच में हुआ, वज्र प्रहार 2019 जो है वो किन दो देशों के बीच में क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो जरा बताइएगा, वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में ही इसका भी आयोजन किया गया, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2019 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ, थल सेना का युद्धाभ्यास है, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर वज्र प्रहार 2019 का आयोजन भारत और किसके बीच में, यूएसए के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए अगली बात कर लें, अगला सवाल देखिएगा, जोधपुर में सही बात है, जोधपुर में हुआ था, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वज्र प्रहार 2019 का आयोजन भारत और यूएसए के बीच में राजस्थान के में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। हाँ, टाइगर ट्राइम्फ 2019 युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के बीच में किन सेना के स्थान पर के बीच में, सेना और किसके बीच में हुआ, किस किस के बीच में इसका आयोजन किया गया था, जरा ये बताइएगा आप लोग, इसका आयोजन भारत और किसके बीच में, टाइगर ट्राइम्फ जो है यूएसए के बीच में, तो तीनों सेनाएं हैं इसमें, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, तीनों सेनाओं के बीच में इसका आयोजन किया गया था, और कहां पर, विशाखापट्टनम के काकीनाडा जो तट है वहां पर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया था। तो दोबारा सुन लीजिएगा, टाइगर ट्रांस 2019 युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के बीच में किस सेना और किस स्थान पर हुआ, तो तीनों सेनाओं के बीच हुआ, थल सेना, वायु सेना और जो जल सेना है यानी नौसेना है, उन तीनों के बीच में इसका आयोजन हुआ विशाखापट्टनम के काकीनाडा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने, जरा सुन लीजिएगा, आंसर की आज इनकी पीडीएफ और आंसर की दोनों डाल दी जाएगी, पहले पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी लेकिन आंसर की आपको इसकी बाद में मिलेगी थोड़ी,
ठीक है। तो शाम तक इसके आंसर की भी आपको डलवा दी जाएगी, लेकिन अभी आपको इसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ जो है वो अभी थोड़ी देर बाद इसका मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ तो बताइएगा जरा इसका सही जवाब क्या है। काकीनाडा, विशाखापट्टनम, तो पीछे वाले का जवाब है भारत और यूएसए के बीच युद्धाभ्यास 2019 किस स्थान पर हुआ। तो अभी अभी बताया भारत और यूएसए के बीच में युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास ही नाम रखा गया युद्धाभ्यास 2019, उसका नाम कुछ अलग नहीं था, युद्धाभ्यास 2019 ही उसका नाम था। तो ये आयोजन कहां किया गया था, तो वाशिंगटन डीसी में युद्धाभ्यास जो है वो भारत और यूएसए के बीच में 2019 में आयोजन किया गया, कहां पर, वाशिंगटन डीसी में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, मालाबार अभ्यास 2019, मालाबार युद्धाभ्यास 2019 जो है वो किन दो देशों के बीच हुआ। तो मालाबार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ, तो मालाबार हमेशा भारत, जापान और यूएसए के बीच में, इस बार इसमें एक अलग देश और जुड़ गया है 2020 का, बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, मालाबार युद्धाभ्यास 2020 का जो है वो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया था क्वाड के चार देश हैं जिसमें भारत है, जिसमें जापान है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जिसमें अमेरिका है। दोबारा सुन लीजिएगा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चार देश हैं क्वाड के। इसमें इससे पहले, सबसे पहले ये मालाबार शुरू हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, इसके बाद में इसमें जापान भी शामिल हो गया, अब इसके बाद चौथा जो क्वाड का देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, वो क्वाड का चौथा देश ऑस्ट्रेलिया भी अब की बार इस अभ्यास में क्या ले रहा है, हिस्सा ले रहा है। तो मालाबार युद्धाभ्यास 2019 पूछा है, तो 19 तो है तो भारत, जापान और यूएसए के बीच में, लेकिन परीक्षा में 2020 का पूछा जाएगा, तो 2020 का ध्यान रखना, भारत, जापान, यूएसए और किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। चलें अगले सवाल पर, मालाबार युद्धाभ्यास, मैं दो मिनट इस पर रुकना चाहूंगा क्योंकि आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट सवाल है और आप इस पर दोबारा से गौर कर लीजिएगा, वरना बाद में देखोगे तो कुछ नहीं आएगा। मालाबार युद्धाभ्यास 2020 है वो चार क्वाड के देश है, भारत है, जापान है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में इसका आयोजन हुआ है 2020 का। तो चलिए नेक्स्ट जरा सुनिएगा, अगला है भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, ये भी अभी अभी बताया आपको। तो इसमें आपका वो जो नाम मैंने बताया है वो नाम यहाँ पर है ही नहीं, इसकी जगह दूसरा नाम है उसका। तो भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास, ये सब डेट 2019 के ये देख लो चाहिए, तो 2019 का नहीं 2020 का भी ध्यान रखना। क्वाड के देशों में इसका नाम मालाबार भी रखा गया, क्या नाम रखा गया, मालाबार नाम रखा गया, भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो युद्धाभ्यास 2020 में आयोजन किया गया। तो दो सारेक्स है, सारेक्स 2020 है, ये तटरक्षक बल का युद्धाभ्यास है, और इसके बाद में सिटी टैक्स जो 2019 है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में आयोजित हुआ है। अब इसका नाम जो है ये देख लो, सीटीटीटीएक्स 2019 है, भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश क्वाड के चार देश हैं, ये ध्यान रखना। फिर इम्बेक्स 2019 या फिर जो गज़्व है, कॉर्पेट है, तो इसका सही जवाब होगा सिटी टैक्स 2019 है, जो ये जवाब है बी है, सिटी टैक्स 2019 जो है भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है इनके बीच युद्धाभ्यास है, सिटी टैक्स 2019। 2020 इसका क्वाड देशों का जो हुआ है उसका नाम भी याद रखिएगा। चलिए अगली बात करें, सारेक्स 2020 तटरक्षक बल का है, ये तो गोवा में आयोजित हुआ है, ये बात बता दी मैंने, सारेक्स 2020 कहां पर तटरक्षक बल का युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन जो है वो किसने किया है, तो तटरक्षक बल का है और गोवा में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया, तो गोवा वाला जरूर याद रखिएगा, गोवा में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गोवा में सारेक्स तटरक्षक बल का युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट जरा आइए, अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, क्या है, युद्धाभ्यास दे रखा है, देश का नाम दे रखा है, आपको इनमें से सही बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। हैंड इन हैंड किस किसके बीच में हुआ, सूर्य किरण किसके बीच में हुआ, अम्बेक्स 2019 किसके बीच में हुआ, और मित्र शक्ति है, ये मिस्र शक्ति नहीं है, ठीक है, ये क्या है, मिस्र शक्ति नहीं है, मित्र शक्ति है, हाँ गलत नहीं है, ये सब सही है, आप जरा ध्यान करिएगा, बस इनको याद कर लीजिएगा, मित्र शक्ति है वो किस किस के बीच है ये याद कर लो बस, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, मित्र शक्ति 2019 जो है वो भारत और श्रीलंका, मित्र शक्ति जब भी हो तो याद रखना मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, मित्र शक्ति किसके बीच में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चार हैं आपकी परीक्षा में, इन चार में से कोई पूछा जा सकता है, इस वजह से मैं इस सवाल पर बहुत अच्छे से रुककर आपको बता रहा हूं, मित्र शक्ति याद करो पहले, ये क्या है, यहाँ मित्र शक्ति है, मिस्र शक्ति नहीं है, ये क्या है, मित्र शक्ति है, मित्र हमारा है कौन,
वो है भारत का मित्र श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो आयोजित होता है उसका नाम क्या है, मित्र शक्ति नाम है। तो पहला चार नंबर में बी है, ध्यान करो चार पर बी इसमें पहले ऑप्शन में भी है। इसके अलावा एक है आपका सूर्य किरण। सूर्य किरण हम किसके साथ आयोजित करते हैं, तो किरण हमेशा नेपाल से आती है, तो सूर्य किरण का जो आयोजन है, सूर्य किरण का आयोजन हम किसके साथ करते हैं, नेपाल के साथ करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। दो, तो दो का क्या है, सी है। इसके बाद दो बच गए, एक तो है इम्बेक्स, ये इम्बेक्स नाम है एक तरीके से याद करना, इम्बेक्स 2019 बचा हुआ है। एक हैंड इन हैंड बचा है, हैंड इन हैंड का मतलब है हम ये अभ्यास चाइना के साथ करते हैं, किसके साथ, हैंड इन हैंड हम चाइना के साथ करते हैं, और इम्बेक्स जो है वो भारत म्यांमार के साथ करता है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए इसके जरा जवाब को सुन लीजिएगा, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आज अभी, इसकी तीनों की पीडीएफ, पीछे वालों की तीनों की पीडीएफ अभी डाल देते हैं, आंसर की शाम तक आ जाएगी। तो इसका सही जवाब दोबारा सुनो, हैंड इन हैंड किसके साथ होता है, भारत और चीन के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और किसके बीच में होता है, नेपाल के बीच में होता है। इम्बेक्स भारत और किसके बीच में होता है, म्यांमार के बीच में होता है, म्यांमार के बीच में होता है। इंडिया म्यांमार है, ये देख लो, चाहे इंडिया और म्यांमार, आई एम, इम्बेक्स में आई याद कर लो इंडिया, एम याद कर लो म्यांमार। फिर मित्र शक्ति है, मित्र हमारा कौन है, श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ हम क्या करते हैं, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, जरा देखिएगा आपका नेक्स्ट सवाल इसमें क्या है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य कथन के बारे में बताना है, तो जरा बताइएगा इसका असत्य कथन कौन सा है। पहला है स्लाइनेक्स 2019 युद्धाभ्यास 2019 में भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित हुआ, तो एकदम सही बात है। सहयोग केजिन जो है 2020 युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ। समुद्र शक्ति 2019 अभ्यास दो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित हुआ, तो एकदम सही है दो, तो स्लाइनेक्स 2019 भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, एकदम सही है। टेलीग्राम पर मिल जाएगी पीडीएफ आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। समुद्र शक्ति 2019 युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, समुद्र शक्ति भी याद करिएगा, इंडोनेशिया के साथ होता है हमारा ये युद्धाभ्यास। अब गलत इसमें क्या है, सहयोग केजिन 2020 जो है ना भारत और रूस के बीच में नहीं हुआ है प्यारे साथियों, ये जापान के साथ हुआ है। किसके साथ में, सहयोग केजिन जो युद्धाभ्यास है वो किसके साथ हुआ है, यहां पर ये जो रूस लिखा हुआ है ये गलत है, रूस के साथ नहीं हुआ, हमारा किसके साथ हुआ है, जापान के साथ युद्धाभ्यास हुआ है। तो ये सब जरा ध्यान करो, दोबारा बोल देता हूं, श्रीलंका इंडिया युद्धाभ्यास नाम से स्पष्ट है, एसएल का मतलब श्रीलंका, आईएन का मतलब इंडिया, एक्सरसाइज 2019 है युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में। दूसरा सहयोग केजिन भारत और जापान के बीच में, ये गलत है, बी ऑप्शन इसका गलत है। फिर है समुद्र शक्ति 2019 युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, ये एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए, अगला सवाल आपके सामने, संप्रीति, संप्रीति युद्धाभ्यास 2020 भारत और बांग्लादेश के बीच में किस सेना के बीच में हुआ है, भारत और संप्रीति बांग्लादेश के बीच में होता है, कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लेता है परीक्षा में, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति का आयोजन किया गया, ये किस सेनाओं के बीच में आयोजन हुआ और कहां इसका आयोजन किया गया, तो जरा सुन लो, इसका आयोजन जो है वो आयोजन कहां हुआ, थल सेना का युद्धाभ्यास है और मेघालय में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। दोबारा बता देता हूं कि संप्रीति 2020 युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजन किया गया और भारत और बांग्लादेश के बीच में थल सेना का ये युद्धाभ्यास है और ये मेघालय में क्या किया गया, आयोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो युद्धाभ्यास है वो जरूर याद करिएगा परीक्षा के लिए, वही इंपॉर्टेंट है। थल सेना के बीच मेघालय में इसका आयोजन हुआ। आप देखिएगा कॉर्पेट 2019 नौसेना द्वारा किस देश तथा किस स्थान में हुआ, गश्त कॉर्पेट 2019, कॉर्पेट का मतलब आप लोग कोस्ट गार्ड वाला याद होगा आपको, किसके बीच में हुआ, कहां पर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया, फटाफट बताइए, बस इतने जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करना है। बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ और बांग्लादेश के साथ हुआ कॉर्पेट 2019 का आयोजन। हाँ जी, कॉर्पेट गश्त कॉर्पेट 2019 का आयोजन नौसेना ने किया, भारत और बांग्लादेश के साथ किया, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया, तो बंगाल की खाड़ी, भारत बांग्लादेश, कॉर्पेट गश्त और नौसेना के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है, फिर है धर्म गार्जियन 2019 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ, धर्म गार्जियन जो है वो युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ, तो थल सेना के बीच में युद्धाभ्यास है, भारत और जापान के बीच में हुआ था।
धर्म गार्जियन 2019 भारत और जापान के बीच में हुआ था और थल सेना का क्या है ये युद्धाभ्यास है। चलिए इसके बाद अगली बात करें, धर्म गार्जियन 2019 युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में थल सेनाओं के बीच में आयोजित होने वाला ये क्या है युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट आपके सामने भारत और जापान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, तो अभी अभी एक तो पढ़ा है, और नेक्स्ट आपके सामने धर्म गार्जियन जो है वो भारत और जापान के बीच में थल सेनाओं के बीच में हुआ। इसके बाद है जो सहयोग के जिन है वो नौसेना के बीच में हुआ है, और सिन्यू मैगी जो है वो वायुसेना के बीच में हुआ है। सहयोग केजिन जो है वो भी भारत और जापान के बीच में, सिन्यू मैगी जो है ये भी भारत और जापान के बीच में है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो है वो सही है आपके। हाँ तो चलिए, आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक जगह इन सबको नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को ये सब याद हो जाएगा। भारत और जापान के बीच में सहयोग केजिन जो है वो सहयोग केजिन भी भारत और जापान के बीच में नौसेना का है, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। सिन्यू मैगी जो है वो वायुसेना का है, एक और दो दोनों इसके क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाइएगा। इसका शक्ति 2019 युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में कहां आयोजित हुआ था। शक्ति शक्ति जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, और इस शक्ति का आयोजन जो है वो कहां किया गया। शक्ति का आयोजन जो है वो तो राजस्थान में किया गया था, और ग्रुड शक्ति जो है उसका आयोजन कहां किया गया था, फ्रांस में किया गया था। तो दोबारा सुन लीजिएगा, ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शक्ति जो है ठीक है, इस शक्ति का आयोजन तो कहां हुआ, राजस्थान में हुआ। राजस्थान में जो हो रहे हैं वो जरूर याद रखिएगा, शक्ति का आयोजन तो कहां हुआ, राजस्थान में। और एक आपको बताया शक्ति, शक्ति का आयोजन कहां हुआ, राजस्थान में। एक आपको बताया ग्रुड शक्ति, क्या बताया ग्रुड शक्ति, ग्रुड शक्ति, ग्रुड शक्ति का आयोजन कहां किया गया, भारत और फ्रांस के बीच में ही है ये ग्रुड शक्ति भी, इसका आयोजन कहां हुआ, फ्रांस में आयोजन किया गया था इसका। तो दोनों जरा याद करिएगा, एक तो शक्ति है एक ग्रुड शक्ति है, दोनों फ्रांस के साथ है, शक्ति और ग्रुड शक्ति। लेकिन शक्ति 2019 का आयोजन राजस्थान में, ग्रुड शक्ति का आयोजन कहां किया गया, फ्रांस में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने जरा देखिएगा क्या है, ये रहा आपका अगला सवाल, ये है भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ। भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, अभी पढ़ाकर गया हूं, उनमें से कोई है क्या वो देखो पहले। तो वज्र प्रहार है, युद्धाभ्यास 2019 है, युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ हुआ, सूर्य किरण हमारा नेपाल के साथ हुआ, ग्रुड या फिर वज्र प्रहार, इन दोनों में से कोई एक होगा, बताइएगा जरा किस देश के साथ, फ्रांस के साथ। पहले भी दो बता दिए मैंने, एक शक्ति एक ग्रुड शक्ति, उनमें से कोई है नहीं, तो नया नाम देखिएगा आप कौन सा है। फिर ग्रुड 2019 जो है वो भारत और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में ही इसका आयोजन किया गया, भारत और फ्रांस के बीच में ही किसका आयोजन किया गया है, ग्रुड 2019 का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ग्रुड 2019 भारत और फ्रांस के बीच में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया, भारत और फ्रांस के बीच में ग्रुड 2019 का आयोजन, भारत और फ्रांस के बीच में, एक शक्ति एक ग्रुड शक्ति, ग्रुड शक्ति है वैसे ये नाम, अभी बताया आपको, देखिएगा ये ग्रुड लिखा हुआ है लेकिन ग्रुड शक्ति पूरा नाम है इसका, शक्ति और ग्रुड शक्ति दोनों भारत और फ्रांस के बीच में। प्रबल दोस्तिक युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ, प्रबल दोस्तिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ, भारत और कजाकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और फ्रांस, भारत और रूस। ये नीचे वाले तो नहीं है, भारत और फ्रांस और भारत और रूस के बीच में, ऊपर वाले दो में से बताओ जरा। भारत और फ्रांस के बीच में तो ग्रुड और ग्रुड शक्ति, इन दोनों का क्या किया गया, आयोजन किया गया। आपको बताना है प्रबल दोस्तिक ये जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया। वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में है, ठीक है पुनीत जी, आपको बता दिया है वज्र प्रहार किसके साथ हुआ, भारत और कजाकिस्तान के बीच में, ये दोस्तिक नाम रखा गया, प्रबल दोस्तिक युद्धाभ्यास जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया। तुलसी नर का क्या बड़ा, सही बात है भाई, तुलसी नर का क्या बड़ा। अगला सवाल है प्रबल दोस्तिक युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में किस सेना तथा कहां पर आयोजित हुआ। सवाल थोड़ा बदल गया है लेकिन उत्तर वही है, कजाकिस्तान में हुआ और थल सेना के बीच में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, थल सेना के बीच में और कजाकिस्तान में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए और अंतिम सवाल आज का देखिएगा दोस्तों क्या है आपके सामने, ये सवाल है और अंतिम सवाल है आज का, वो है सही जोड़ों का मिलान करिएगा, ठीक है। दोस्तिक युद्धाभ्यास है, फिर है आपका काउकाज 2020, फिर है बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास, काउकाज 2020, नसीम अल बहार, ये आपके सामने सारे नाम आ चुके हैं, दोस्तिक युद्धाभ्यास और इसके अलावा नसीम अल बहार, फिर इसके बाद है काउकाज 2020, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020। तो सीधा सीधा मिलान है, चौथे में बी ऑप्शन है, चौथे में बी तीन जगह है,
फिर है कौकास 2020। कौकास का आयोजन कहाँ हुआ? कौकास एक बहुपक्षीय है। नसीम अल बहर जो है वो भारत और ओमान के बीच में है, इसका मतलब नसीम अल बहर का मतलब दो में सी है, तो दो में सी एक ही जगह है दोस्तों, देख लीजिएगा। चौथा ऑप्शन सही है। दशलिक 2019 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, दोस्ती का ध्यान रखना वो कजाकिस्तान के साथ में है, ठीक है। प्रबल दोस्तिक जो युद्धाभ्यास है वो किसके बीच में? भारत और किसके बीच में है? कजाकिस्तान के बीच में। और दशलिक जो युद्धाभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। नसीम अल बहर जो है वो भारत और ओमान के बीच में। कौकास 2020 एक बहुपक्षीय देशों के बीच में है जिसका आयोजन रूस में किया गया। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास बिम्स्टेक देशों के मध्य हुआ है। तो इसके सही जवाब आप सबको बता दिए गए मेरे दोस्तों, आप सबको ये सवाल समझ में आए होंगे और युद्धाभ्यासों की रिवीजन आपको करवा दी गई है। अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए रिवीजन के सवालों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए। अगली क्लास में हम सब मिलेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं। और अब ऐसा कौन सा नेशनल लेवल का टॉपिक बच गया है जिससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको करवाया नहीं गया है, तो ये बताइएगा जरा। हाँ, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इंडिया करंट अफेयर से, आप राजस्थान करंट अफेयर्स की चिंता मत करिएगा, तीन क्लास राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड लेंगे जिसमें पीछे का सारा रिविजन करवा देंगे आपको। तीन महामैराथन की क्लास आप कह सकते हो उनको, एक संडे को क्लास होगी, दो क्लास और राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड हम लेंगे। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। आप अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिएगा। अगली क्लास में हम मुलाकात करेंगे। बाय बाय, गुड बाय। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टॉपिक जरूर बता दीजिएगा, जिस टॉपिक का रिविजन अभी बचा है उस पर हम बातचीत कर लेंगे। फैंटेस्टिक, थैंक्स, धन्यवाद, ओके, ठीक है। हाँ, दिसंबर मंथ के डेज टेलीग्राम पर डाल दिए दोस्तों। दिसंबर के जो दिवस हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दिए हैं, वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। और साथ साथ में मैं कराता भी जा रहा हूँ, एक बार फिर करा देंगे दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं। वो पटवारी में कहाँ तक का करंट अफेयर आएगा? 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर आएगा। यानी ये मान कर चलिएगा आप 5-7 दिन का करंट अफेयर और पढ़िएगा, उसके बाद आपका पेपर बन चुका होगा, तो उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस क्लास में हम उसके बाद रिविजन ही करेंगे करंट अफेयर्स का जो पटवार में पूछा जाएगा। चलिए, थैंक्स, गुड बाय, थैंक यू।